हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? तो चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 कर चुके हैं, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। ओके चलिए, तो भाई साहब चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है हमारे पास? रासायनिक बल गति की। ठीक है, रासायनिक बल गति की। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या होता है ये, क्या चीज होती है भाई साहब ये, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो रासायनिक बल गति की परिभाषा, रासायनिक यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, येलो कर लेते हैं। ओके, तो रासायनिक सॉरी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बल गति की कहते हैं। तो रासायनिक बल गति का मतलब ये होता है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया के वेग के प्रभावित करने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस चैप्टर में इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, ये रहेगा इस चैप्टर में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनको सब देखेंगे और क्या, एक एक करके सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर की। ओके, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये वेग क्या होता है। ठीक है, वैसे आप लोग जानते भी होंगे लेकिन आपको एक बार रिपीट करवाते हैं। अभिक्रिया मतलब जो हमारी रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं अभिक्रिया। वेग मतलब होता है रेट, या फिर आप बोल सकते हो जो वेग होता है वो क्या बताता है हमें? गति को बताता है। इसको बताता है, गति को बताता है। अगर आपसे बोल दें कि इस रिएक्शन का, इस अभिक्रिया का वेग कितना है? 25 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इतनी स्पीड से चल रही होगी, इतनी स्पीड से ये जा रही होगी। अब इसकी कुछ भी यूनिट हो सकती है, इसकी कुछ भी क्या हो सकती है? यूनिट हो सकती है। ओके, इसका कुछ भी मात्रक हो सकता है। तो अभिक्रिया का वेग समझ में आया, स्पीड की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्पीड की बात करेंगे। अभी वेग का मतलब स्पीड, इस तरह से आप लोग समझते हुए चलिए। ओके, तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमारे पास तीन प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक तीव्र अभिक्रिया, एक मंद अभिक्रिया, एक होती है माध्यम अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज। तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज होता है। ओके, तो ऐसी अभिक्रिया जो कि बहुत तेज होती है, बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट होती है, उनको हम लोग बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। मंद का मतलब होता है जो धीमे धीमे होती है, जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या है? एक मंद अभिक्रिया है। बहुत धीमे प्रकार की रिएक्शन होती है, बहुत धीमे प्रकार की ये अभिक्रिया होती है। आप सभी देखते हो लोहे में जंग एक दिन में नहीं लगती है। लोहे में जंग, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे उदाहरण, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, लोहे में जंग, ये प्रोसेस होने में, ये अभिक्रिया होने में कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हो चीजों को कि मंद अभिक्रिया किसे बोलते हैं, फास्ट किसको बोलते हैं। अब आती है मध्यम अभिक्रिया। मध्यम का मतलब ये है कि वे अभिक्रिया जिनका वेग तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया के मध्य में आता है, तो तीव्र से कम होता है और मध्य से ज्यादा होता है, जो बीच में आता है ना उसको बोलते हैं मध्य अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो कि ना तो ज्यादा तीव्र हो ना ही ज्यादा मंद हो, ना तो ज्यादा फास्ट हो ना ही ज्यादा स्लो हो, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं मंद अभिक्रिया। आप सभी लोगों को एक बात बता दें, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मध्यम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि तीव्र अभिक्रिया के बारे में जानना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि ये तीव्र अभिक्रिया है, ये इतनी फास्ट हो जाएगी कि हम इसको पता नहीं लगा पाएंगे। और धीमी अभिक्रिया, अब धीमी अभिक्रिया की बात करते हैं, तो धीमी अभिक्रिया में तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मंद अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया होती है, उनमें क्या होता है? समय बहुत ज्यादा लगता है। तो इतना समय निकाल के हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद सोचिए। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मध्यम अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ओके चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई भैया कि हमें सिर्फ और सिर्फ मध्यम अभिक्रिया के बारे में आगे पढ़ना रहेगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? अगला टॉपिक हमारे पास है इकाई, अगला टॉपिक हमारे पास अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं भाई साहब। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब आपको बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाले हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देने वाले हैं।
ओके, क्या होता है ना, आप सभी को पहले अभिकारक समझ में आना चाहिए, उत्पाद समझ में आना चाहिए। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, कुछ इस प्रकार की हमारे पास एक अभिक्रिया है, जहां पर ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभिकारक है। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, अभिकारक है। ओके, अभिकारक समझ में आया आपको, समझाएंगे वैसे आपको बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें से क्या होगा, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, हमारा उत्पाद बनाएंगे, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास पानी है, आपके पास पानी है, पानी में आपने क्या मिलाया, पानी में आपने शक्कर को मिला दिया, पानी में आपने क्या मिला दी, शक्कर मिला दी। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पर जो पानी है और शक्कर है, ये क्या है, आपके अभिकारक है, और इसको मिलाने के बाद क्या बन गई भैया, चाशनी बन गई। क्या बन गई, चाशनी बन गई, बन जाती है। पानी में अगर आप लोग शक्कर को मिलाओगे तो चाशनी बन जाएगी, जो चाशनी बनेगी वो आपका क्या है, उत्पाद है, कि आपने इसका उत्पादन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये आपका उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सांद्रता समझिए, सांद्रता क्या होती है, तो ये आपको समझ में आया। आर क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट बोल दो या फिर अभिकारक बोल दो। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है आपको समझाते हैं, इन्हें इंग्लिश में भी समझना होता है और हिंदी में भी समझना होता है। क्यों समझना होता है, क्योंकि उन्हें ये तो समझ में आया कि अभिकारक क्या होता है, लेकिन अब उन्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसको आर से लिखा जाता है। ओके, तो एक वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, एक वीडियो हम लोग ऐसा बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जहां पर जो सारी टर्म्स होती है ना, जो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, जो हमें पढ़ना जरूरी होता है, उनको आप लोगों को एक ही वीडियो में, शायद वो 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा, जिसमें हम सारे चैप्टर केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं हमारे, सारे के सारे चैप्टर के जो भी इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, उन सभी के फॉर्मूले वगैरह सब कुछ लिख लुखा कर आपको दे देंगे, हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे, ताकि आपको चीजें समझ में जल्दी आ जाएगी। ओके, तो उस वीडियो का हमारा वेट रहेगा, आपको भी उस वीडियो का वेट रहेगा, हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे उस वीडियो को। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए, अभिकारक क्या होता है, आपकी शक्कर पानी हो गया, ठीक है, इससे क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो पी मतलब प्रोडक्ट, या फिर आप बोल सकते हो उत्पाद। कि सांद्रता, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। आप इस तरह से समझेंगे, आपके पास जो शक्कर है, आपने जो शक्कर यहाँ पर मिलाई है ना, ठीक है, शक्कर मान लीजिए आपने जो मिलाई है पानी के अंदर, अब उसकी एक बात रहेगी, आपने शक्कर कितनी मिलाई है, आपने 5 किलो मिलाई है, 10 किलो मिलाई है, 2 किलो मिलाई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, करता है आपके ऊपर डिपेंड। तो यही इसकी कंसंट्रेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, इसकी कंसंट्रेशन बोल दो या फिर सांद्रता बोल दो, कि 1 लीटर पानी के अंदर आप लोग कितना सारा पदार्थ मिलाते हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी सांद्रता कहलाती है। ओके, इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, तो आप क्या बोलोगे, किस इकाई समय में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। तो देखिए अब आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आने वाली है। हमने क्या बोला, मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, या फिर आप बोल सकते हो कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, इसमें हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब इस पानी में आपने शक्कर मिलाई, आपने क्या मिलाई, शक्कर मिलाई। मान लीजिए इसकी सांद्रता कितनी है, 5 है, अभी के लिए कुछ भी यूनिट हो सकती है इसकी, ठीक है, तो 5 इसकी सांद्रता हो गई भैया, ठीक है, मोल पर लीटर आप लोग बोल सकते हो इसे, तो 5 इसके, अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 5 किलो आपने शक्कर इसमें मिला दी। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे करके शक्कर 5 किलो से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये 5 किलो की शक्कर आपकी 0 हो जाएगी, पूरी तरह से घुल जाएगी, मतलब इसमें परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, किसके किसके रिस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में परिवर्तन आ रहा है, समय के संदर्भ में। कि हमारे पास मान लो 5 किलो शक्कर कितनी बजे थी, मान लो हमने घड़ी में टाइम देखा तो 10 बज रहे थे, लेकिन 10:30 बजे तक पूरी शक्कर हमारी घुल गई। तो आपने क्या बोला कि समय के संदर्भ में, समय के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, इसमें चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर बोलने वाले हैं, ठीक है, ये होता है हमारा। तो अब आप लोग पढ़ के देखिए, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, जब भी हमें चेंज बताना होता है, परिवर्तन बताना होता है, तो ये जो दिख रहा है ना आपको ट्रेंगल, त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, इससे हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो आर मान लो हमारे पास क्या था, अभिकारक था हमारे पास, अभिकारक की जो कंसेंट्रेशन थी उसको बनाने के लिए हम लोग केमिस्ट्री में कुछ इस तरह से बताते हैं। आर मतलब हमारा हो गया अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, इस तरह से डब्बे बना दो तो क्या बन गया, अभिकारक की सांद्रता बन गई। अब इसमें क्या बना दो, चेंज बता दो कि इसमें चेंज आ गया, किसके रिस्पेक्ट में आ गया, तो समय के रिस्पेक्ट में आ गया। ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में आ गया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, क्या बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया, आया समझ में। अब आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हो, सी भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको पता होना जरूरी होता है कि सी क्या है यहाँ पर,
ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के, समय में परिवर्तन, नीचे समय में परिवर्तन, ऊपर किस में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी सही है। यहाँ पर ये जो है ये क्या बताएगा, आपकी अभिकारक का वेग बताएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहो तो इस तरह से लिख दो आप लोग। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दो, इस तरह से भी आप लोग डायरेक्ट इसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे, अभिकारक का वेग, यहाँ पे क्या लिखोगे, अभिकारक का वेग लिख दोगे। तो अभिकारक का वेग का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरीके होते हैं लिखने के। ओके, अब इसकी यूनिट अगर आपसे पूछे कि बताओ इसकी मात्रक क्या बनेगा, तो मात्रक क्या बनेगा भैया, ये हमारे पास है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अरे हम लोग सांद्रता को किस में लिखते हैं, सांद्रता को हमेशा मोल पर लीटर में लिखते हैं, जितने मोल्स 1 लीटर में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। तो मोल पर लीटर समय के रिस्पेक्ट में चेंज आ रहा, मतलब नीचे आएगा सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल, मोल पर लीटर और सेकंड का क्या जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरह से लिख दो, मोल पर लीटर यहीं पर इंटू लगा के सेकंड लिख दो, ये तरीका भी सही है। ठीक है, मतलब ये आपका बन जाएगा मात्रक, मोल पर लीटर सेकंड। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। तो आपको अभिक्रिया का वेग समझ में आया, क्या होता है अभिक्रिया का वेग, इसको एक तरह से और समझाया जा सकता है, वैसे स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पर एक बार वो देख लीजिए, फिर आपको और चीज समझ में आएगी कि जो हमारा अभिक्रिया का दर होता है, ठीक है, वेग जो होता है हमारा, अभिक्रिया का वेग बोल दो या दर बोल दो, एक ही बात है। तो क्या होगा ना, आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अभिक्रिया का वेग इक्वल्स टू बना दो, यहीं पर आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग कुछ इस तरह से बता सकते हो, अभिक्रिया का वेग जो होगा उसको आप लोग dr/dt के फॉर्म में भी बता सकते हो, dr/dt, क्योंकि आप लोग क्या बता सकते हो, छोटा सा परिवर्तन जो हो रहा है उसको आप लोग कुछ इस तरह से भी बता सकते हो, ये भी सही है। ठीक है, ये और ये लगभग लगभग एक जैसा काम करता है, आप लोग ये लिख दो या फिर ये डी लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, तो आपको कंफ्यूज वहां पर नहीं होना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर है, पात्र है आपके पास, पात्र में आपने क्या भर दिया बताओ, फिर से आप लोग पानी भर दोगे इसके अंदर। ठीक है, हम लोग पात्र में क्या भरते हैं, सिर्फ पानी ही तो भरते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वाले हमसे पानी भरवाते हैं बस। ठीक है, चलिए तो पानी भर दिया आपने, उसके बाद क्या करोगे, पानी भरने के बाद इसमें क्या मिलाओगे, शक्कर मिलाओगे और क्या। ठीक है, शक्कर हमारी सबकी फेवरेट है। ठीक है, कुछ लोग नमक भी मिलाते हैं, तो नमक भी मिला सकते हो, बुरा बुरा नहीं मानना है आपको, जो आपको लगे वो मिला दो। हम नमक, नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन नमक अच्छा नहीं होता हमारे लिए, तो हम शक्कर मिला रहे हैं, आपके ऊपर कुछ भी मिला सकते हो। ओके, मजाक वाली बात है ये। तो मान लीजिए शक्कर हमने इसमें मिला दी। ओके, शक्कर हमने मिला दी, तो क्या होगा, धीरे धीरे शक्कर जो होगी वो क्या होती जाएगी, हास्य होती जाएगी, या फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिसअपियर होती जाएगी। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, धीमे धीमे हमें दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, अदृश्य होती जाएगी वो। ऐसा होगा, शक्कर जो है हमारे पास पहले 5 किलो, मान लो एक हमारे पास समय था T1, T1 समय के ऊपर ये 5 किलो शक्कर है हमारे पास। अब जब आप लोग T2 टाइम पर देखोगे, T2 टाइम पर क्या होगा, ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 3 किलो हो जाएगी। फिर एक और टाइम बना दो T3, T3 पे मान लो ये पूरी तरह से क्या हो गई, जीरो हो गई, क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा जो अभिकारक है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, उसकी सांद्रता में क्या आ रहा है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है, नेगेटिव वाला, मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो जब भी आप लोग किसके बारे में बात करते हो, अभिकारक के बारे में बात करते हो, तो अभिकारक हमेशा क्या होता है, धीरे धीरे करके समाप्त तो होता है, तो समय क्या बोलते हैं, हास्य बोलते हैं। ठीक है, हास्य बोलते हैं। तो आर में हास होने की दर क्या बताओगे आप लोग, आर की सांद्रता में हास अपॉन में किया जाएगा समय। तो आप लोग इसको इस तरह से भी बता सकते हो, dr/dt, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप, यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, ये जो नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो दर है हमारी वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, मतलब ये है यहाँ पर जो अभिकारक है वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी जो दर है वो तो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन अभिकारक हमारा धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, ये मतलब है नेगेटिव साइन का। ओके, चलिए अब पी की बात करते हैं। पी में वृद्धि की दर, पी में वृद्धि की दर, अब आप लोग जानते हो, अब आप लोग ये बात तो जानते हो कि हमारे शक्कर जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होगी, लेकिन एक चीज हमेशा समय के साथ बढ़ेगी, वो क्या है, आपका प्रोडक्ट, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, उत्पाद, जो आपका उत्पाद रहेगा, पी जिससे हम लोग बोलते हैं, प्रोडक्ट जो रहेगा, उत्पाद जो रहेगा, अरे उत्पाद मतलब हमारी चाशनी, चाशनी धीरे धीरे करके क्या होगी, हमें दिखने लगेगी, उसमें वृद्धि होने लगेगी। पहले हमारे पास चाशनी कितनी थी, मान लो 0 थी, लेकिन जैसे टाइम 3 आएगा हमारे पास चाशनी पूरी हो जाएगी, मतलब 5 किलो की क्या बन गई, हमारे पास चाशनी बन गई।
ओके, तो पी में वृद्धि की दर क्या होती है हमारी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। आया समझ में? तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं साथ ही में। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको प्रश्न दे रखा है, तो आप लोग उसे पूछते हैं कि लिखिए इसकी अभिक्रिया की दर, तो क्या लिखोगे? आर ओ आर का मतलब होता है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया मतलब रेट, सॉरी रिएक्शन, और दर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, आपके आपकी मर्जी है ये। ओके चलिए, तो मान लीजिए इसको हम लोग लिखना है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे माइनस लगाओगे। ओके माइनस लगाओगे, फिर आप लोग क्या लिखोगे इसके लिए, आप क्या लिखोगे, डेल्टा लगाओगे, क्योंकि चेंज हो रहा है इसकी सांद्रता में। तो डेल्टा एन टू लिखोगे, नीचे टाइम लिख दोगे। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिखोगे आप लोग, इसको हमने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। अभिकारक को हमें नेगेटिव लिखना होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके समाप्त होता जाता है। यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डेल्टा आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सब काट लीजिए, यहाँ पर H2 आएगा, उसकी सांद्रता को हमें लिखना है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। नीचे क्या आएगा, नीचे हमारे पास समय आएगा, डेल्टा टी करके वहां पर हम लोग लिख देंगे। आई बात समझ में आपको इतनी? ओके चलिए, अब हम यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगाएंगे। और अब आप लोग यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो आप जब भी इस तरह की चीज देखो, तो उसको कहाँ पे ले जाओगे, उसको आप लोग बटे में ले जाओगे, मतलब 1/3 हो जाएगा ये। ओके 1/3 बोल दो, या फिर 1/3 बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो 1 था, तो आप 1 को भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। आया समझ में इतनी बात आपको? अब यहाँ पे आ जाओ भैया, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग ये कहानी लिख देंगे पूरी वैसी की वैसी। फिर क्या होगा बताइए आप लोग, फिर हमारे पास 1/2 लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग नेगेटिव नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव लगाने का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, उत्पाद है या फिर प्रोडक्ट है हमारे पास। ओके चलिए, इतनी बात हमें आसानी से समझ में आ गई। अब अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारण है जो कि हमारी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारण में सबसे पहले आता है ताप। ताप मतलब टेम्परेचर, ठीक है, ताप मतलब होता है हमारा टेम्परेचर। तो अगर आप लोग ताप बढ़ा देते हो, अगर आप लोग ताप बढ़ा देते हो, तो क्या होगा भैया, ताप बढ़ाने की वजह से हमारी अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे, मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए, आपके पास मान लो 5 किलो शक्कर है, ठीक है, आपके पास 2 कंटेनर है, 2 पात्र है आपके पास, ठीक है, 2 पात्र हैं आपके पास। यहाँ पर बना के बताते हैं ताकि आपको और ज्यादा फील आएगा। ओके चलिए, यहाँ पर आपको बनाकर बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग सभी, मान लीजिए आपके पास ये 2 पात्र हैं, ठीक है, ये 2 आपके पास पात्र हैं। अब इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब आपको मान के चलना है दोनों का साइज सेम है, ठीक है, दोनों का साइज क्या हो गया भैया, हमारा सेम हो गया। अब क्या करें हम लोग, अब हम बात कर रहे हैं आपसे, आपके पास 5 किलो शक्कर है, 5 किलो शक्कर है, 5 किलो आपके पास क्या है, शक्कर है। अब हमने बात ये बता दी आपको, ये जो है, ये जो पानी है हमारे पास, ये क्या है, ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है। ये जो ये बी वाला जो है, बी वाला गर्म है, कैसा है, गर्म है, गर्म को हम लोग लाल कलर से बना देते हैं, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल गर्म पानी है, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि बताओ शक्कर पहले किसमें घुलेगी, शक्कर पहले किसमें घुलेगी, गर्म में या ठंडे में, तो आप क्या बोलोगे, गर्म में पहले घुलेगी शक्कर, ठीक है, गर्म में जल्दी घुल जाती है हमारी शक्कर। आया समझ में? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो हमारी जो अभिक्रिया है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसका दर बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। ओके आया समझ में, ये होता है। और आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकते हैं कि अगर हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया की दर में कितना परिवर्तन आएगा, तो आप क्या बोलोगे, दुगनी हो जाएगी स्पीड। अगर आप लोग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो, 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, मतलब अभिक्रिया की जो दर रहेगी, वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है, 2x हो जाएगी। आया समझ में? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये। उसके बाद दाब का प्रभाव, दाब मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, उतना ज्यादा हमारा आर ओ आर जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो, या फिर अभिक्रिया की दर जो होती है वो बढ़ती जाएगी। ओके उसके बाद अभिकारकों की सांद्रता, तो सांद्रता जो होती है, अगर आप लोग सांद्रता बढ़ाओगे, तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ाने पर जनरली क्या होता है, अक्सर क्या होता है, हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, अरे कैटलिस्ट होते हैं, समझते हो आप लोग उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक किन्हें बोलते हैं आप लोग पहले ये समझिए। सामान्यतः उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो किसी सामान्य अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देते हैं,
उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक हमारी जो अभिक्रिया होती है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे उत्प्रेरक होते हैं, मतलब उत्प्रेरक इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं जो कि अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, मतलब खुद तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। जैसे हमारे दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। हमारे जीवन में उनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब शारीरिक जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोग देखोगे उनके योगदान को, तो उनका योगदान बहुत ज्यादा होता है हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। वो क्या करते हैं, वो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए उनका योगदान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो हमारे जीवन में दखल नहीं करते, एक तरह से पूरी तरह से दखल नहीं करते। हमारा जीवन एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, स्वतंत्र है हम, तो इसी तरह से उत्प्रेरक होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ओके, ये रहेगा। तो जो उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, जो आपके दोस्त होते हैं, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, जो उत्प्रेरक होते हैं, अगर उत्प्रेरक आप लोग डालोगे, अच्छे वाले, पॉजिटिव वाले डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी अभिक्रिया भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यही तो काम है उनका। आया समझ में? तो ये काम है इसका। उसके बाद अभिकारक के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, अब इसको समझाते हैं आपको, पृष्ठफल क्या होता है, इसको आप लोग को समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपके पास, फिर से शकर का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, शकर हमारी फेवरेट है। ओके, शकर का एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं फिर से। मान लीजिए आपके पास शकर है, ठीक है, आपके पास शकर है भैया, ये मान लो आपके पास शकर है। इस बार हम लोग शकर इस तरह से बनाते हैं, आप समझते हो, शकर दो प्रकार की आती है, एक पाउडर फॉर्म में आती है, एक कौन से फॉर्म में आती है, एक आती है हमारे इस तरह से, जो क्यूब साइज क्यूब होता है ना हमारा, इस तरह से होती है शकर हमारी, ठीक है। ये बड़े साइज वाली शकर की बात कर रहे हैं हम लोग। मार्केट में जब आप लोग जाते हो तो शकर दो प्रकार की आती है, ठीक है, जैसे हम लोग बड़े शकर वाली लेते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म में भी आती है शकर, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास शकर है, ठीक है, ये आपके पास एक बोरा भर के शकर ले आया आपने, ओके, एक आपके पास शकर यहाँ पर है, ये जो शकर है ये क्या है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, किसमें फॉर्म में, किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, पाउडर समझते हो आप लोग, ये होता है पाउडर, तो पाउडर फॉर्म में। तो अगर आपसे बोले कि बताओ छोटी शकर है और बड़ी शकर, इनमें से पहले कौन सी पानी में घुलेगी, अब आपको एक बात बता दें, दोनों का जो मास है, द्रव्यमान है, वो बराबर है, ऐसा नहीं है ये ज्यादा ये कम है, अब आपको बताना है, बताओ कौन सी ज्यादा घुलेगी, कौन सी जल्दी घुलेगी। तो आप क्या बोलोगे, जिनका साइज छोटा होता है वो शक्कर हमारी पहले घुल जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, आप लोग अगर नीचे वाली लाइन पढ़ोगे तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अतः किसी अभिक्रिया में बड़े टुकड़े की अपेक्षा छोटे टुकड़े वाले प्रयोग किए गए जाए, छोटे टुकड़े प्रयोग किए जाए तो उनका पृष्ठफल अधिक होगा, जिसके कारण उनकी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अब आपको समझाते हैं पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपकी बड़ी शकर है, बड़ी शकर का दाना है आपका, ओके, अब आप क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे, आप क्या करोगे, इस दाने को तोड़ दोगे, तोड़ सकते हैं हम लोग, चलिए तोड़ दिए, बारीक बारीक टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया, ओके। तो जब भी आप किसी चीज को ब्रेक करते हो, तोड़ देते हो, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है, जब हमारा पानी मिलेगा ना, पानी पानी को इसको तोड़ने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से टूटा हुआ है, तो इसके पास ज्यादा क्षेत्रफल है, कौन सा वाला, पृष्ठ क्षेत्रफल, इसकी जो सरफेस है ना, सतह जो है, इसका जो सतह है, सरफेस है, वो सरफेस ज्यादा है, ओके, इसकी सरफेस, इसकी सतह ज्यादा है, इसकी सतह क्या है, कम है, क्योंकि पानी जो होता है, पानी जो होता है आपका, वो अगर ये बड़े बड़े क्यूब के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या दिक्कत आएगी पानी को, पहले पानी ये जो सतह, इसकी सतह पर रिएक्शन करेगा, सतह पर रिएक्शन करेगा, फिर इसको गलाने के बाद अंदर वाली सतह पर जाएगा, फिर उसके बाद अंदर वाली सतह पर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, लेकिन ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होगा, तो छोटे टुकड़े होते हैं हमारे पास, उनमें पानी सब दूर से जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, तो उसको घोलने में उसे कम समय लगने वाला है, मतलब इसको आसानी से वो घोल देगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो ये होता है पृष्ठफल। तो पृष्ठफल किसका ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना, छोटे वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए, ओके, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्यादा कैसे हुआ, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा कैसे हुआ, क्योंकि आपने इसको तोड़ दिया है, ये देखिए, अब पानी पानी आसानी से इससे रिएक्शन कर सकता है, अभिक्रिया इससे कर सकता है, आया समझ में, ये बात होती है। चलिए, तो जितना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल आप बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा हमारी रिएक्शन होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम समझते हैं हम लोग, ओके, वेग नियम हम लोग समझते हैं, वेग नियम क्या होता है, रेट लो हमारा क्या होता है, वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणा फल के समानुपाती होता है। ये काफी अच्छा नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, काफी बार परीक्षा में ये आता है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक अभिक्रिया दे रखी है इस प्रकार की, कुछ भी ले सकते हो आपके मन से,
जैसे कि हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, ठीक है, ए और बी ने मिलके हमारे पास सी दे दिया, मान लो क्या दे दिया भाई साहब, सी दे दिया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए कितने हमारे पास, ए हमारे पास तीन है, ए हमारे पास तीन है, बी हमारे पास कितने मान ले, चलो दो है हमारे पास, ठीक है, इससे हमें कितने मिल गए, इससे हमें मान लो फोर सी मिल गया, फोर सी हमारे पास मिल गया, कुछ भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको इसका वेग नियम लिखना है, अगर आपको इसका वेग नियम लिखना है तो आप क्या लिखोगे, वेग को हम लोग लिख लेते हैं रेट, वेग नियम के अनुसार आप लोग क्या बोलोगे, रेट जो हमारा अभिक्रिया का दर होता है, ठीक है, अभिक्रिया का दर को हम रेट बोलते हैं, तो अभिक्रिया का जो दर होगा उसको आप लोग किस तरह से निकाल सकते हो, वेग नियम ने आपको ये बताया था कि आप अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के दर को किस तरह से निकाल सकते हो, तो आप लोग निकाल सकते हो कुछ इस प्रकार से, आप लोग जो भी आपका क्रिया कारक है, ठीक है, क्रिया कारक जो है आपके पास, उसको आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, उनकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, सांद्रता को आपको इस तरह से लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको कांस्टेंट लगाना है आगे, क्या लगाना है आपको, कांस्टेंट लगाना है, ठीक है, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक, तो आपने क्या लगा दिया, एक स्थिरांक लगा दिया, इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको ये करना है, आगे आपको ये करना है, अब आप लोग इनके, इनकी जो पावर है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन आता है, कुछ लोग गलती ये करते हैं, इनको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर थ्री आ जाएगा, ये बी की जगह पर टू आ जाएगा, लेकिन ये पूर्णतया गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप लोग ये जो है, कितने हमारे पास एटम ने पार्टिसिपेट किया, ये आप लोग पता नहीं लगा सकते, ठीक है, ये जो हमको दिख रहा है ये सिर्फ हमें कॉपी में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग विलयन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो क्या होता है, सॉल्यूशन की हम जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो ए और बी है हमारे पास, ए ए तीन हमारे पास ए है, और हमारे पास क्या है, बी बी है, बी बी है, ठीक है, बी बी की वाइंस है हमारे पास, ठीक है, तो ये बी बी की वाइंस नहीं है, ये बी बी है, ट्रिपल ए और डबल बी, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो होता क्या है, एक्चुअल में होता इस तरह से है कि ये जो ए आपको दिख रहे हैं, ये सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पूरी तरह से ये पार्टिसिपेट नहीं करते, हो भी सकता है तीनों पार्टिसिपेट कर लें, ये तीनों, ये दोनों पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, सिर्फ ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग नहीं करते, ठीक है, ये दोनों नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट निकालोगे तो ये क्या बोलोगे आप लोग, कि आप लोगों के पास ए कितना है, यहाँ पर वन है, और बी कितना है हमारे पास, वन है, तो ये आप कब निकाल पाओगे, जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, ओके, तो ये जो नियम है ये आप लोग कब निकाल पाओगे, जब आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपको दे रखा है, क्या बोला मैंने आपसे, मान लीजिए आपको दे रखा है कि ए, हमने एक्सपेरिमेंट जब किया तो ए हमारे पास ए आया, ठीक है, ए की सांद्रता हमारे पास कितनी आई, ए आई, और बी की सांद्रता हमारे पास बी वन आई, ठीक है, हमारे पास वन वन आ गई। तो अब आप लोग क्या बोलोगे कि हमें, हमें इस समय यहाँ पर पावर में क्या लिखना है, यहाँ पे हमें पावर में, ठीक है, पावर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर, यहाँ पर आपको वन लिखना है और यहाँ पर भी वन लिखना है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, एक बारी में इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है क्या हुआ, हमने ये किया, ये आपको दे दिया जाएगा परीक्षा में, अगर आएगा तो ये दिया जाएगा आपको, बिना दिए ये नियम नहीं निकाला जा सकता। सीधी बात ये है कि अगर आपके पास ये पहले से नहीं दे रखा है, इनको हम लोग बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशियंट या फिर स्टोक्योमेट्रिक गुणांक, अभी आपको समझाते हैं वो चीज क्या होती है। तो गलती आप लोग ये मत करना कि आप लोग इन्हीं को आप लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ना 302, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पहले आप लोग बोलोगे भैया आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या नहीं किया, वो बोलेगा यहाँ किया हमने, तो आप बोलोगे बताओ वैल्यू दो हमें ए और बी की, तो वो आपको वैल्यू देगा, उस वैल्यू को आपको यहाँ पर पावर में इनको चढ़ा देना है, ओके। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एक बार और समझ लेंगे इसको, ओके। चलिए, वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग, मतलब हमारे पास जो रेट है, वो किसके, क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के, गुणनफल किसके, क्रिया सांद्रता, क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारक क्या होता है हमारे पास, अभिकारक को ही क्रिया कारक बोलते हैं भैया, तो ए हमारे पास क्रिया कारक हो गया, उसकी सांद्रता को हमने इस ब्रैकेट के थ्रू बता दिया, ठीक है, क्रिया कारकों की सांद्रता को इस तरह से हमने बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास दो क्रिया कारक है ए और बी, तो दोनों को लिख दिया हमने, गुणनफल निकाल दिया, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, ओके। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन बिना लिखे भी समझ में आता है कि मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, ओके। चलिए, उसके बाद क्या करना है आपको,
आपको ये बताना है कि जो ये होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के, या फिर आर वार बोल दो या फिर रेट बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात किसकी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया की बात करेंगे, तो अभिक्रिया का वेग या फिर आप डायरेक्ट वेग बोल सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि हम लोग बार बार अभिक्रिया का वेग नहीं बोलेंगे, कभी कभी हम लोग डायरेक्ट वेग बोल देंगे। तो आपको समझना होगा कि हम लोग अभिक्रिया की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। तो जो हमारा आर ओ आर होगा, अभिक्रिया का दर जो होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, वो किसके समानुपाती होगा, दोनों के गुणाफल के, गुणनफल के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बता दी। और आप सभी जानते हो जब ये हटता है, ठीक है, ये समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है, कॉन्स्टेंट आता है, स्थिरांक आता है, ठीक है। तो स्थिरांक लगा दिया हमने इसको काट के, ठीक है। तो अगले स्टेप हमारी ये हो जाएगी, तो इस तरह से हमारा नियम बन जाएगा। अब आप क्या बताओगे, अब अगली लाइन में आप क्या बताओगे, प्रयोगों द्वारा निम्न अभिक्रियाओं के वेग समीकरण या वेग संयोजन निम्न प्राप्त होते हैं, इस तरह से आप लोग बताओगे। मतलब ये हुआ, आपने पहली बात ये बता दी कि आपको हमेशा प्रयोग करना है, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, बिना एक्सपेरिमेंट करे आप लोग नहीं निकाल सकते वेग समीकरण। सीधी बात तो ये है, आपको अगर वेग समीकरण निकालनी है तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आप कॉपी पुस्तक से नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। बिना प्रयोग किए ये लोग आप लोग नहीं निकाल सकते। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप लोग ए और बी यहाँ पर जो दे रखे उसको आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर नहीं चढ़ा सकते। आप लोग यहाँ पर क्या चढ़ाओगे, यहाँ पर आप लोग हमेशा क्या चीज पढ़ाओगे, क्या पावर में चढ़ाओगे, जो आप एक्सपेरिमेंट से निकालोगे। यहाँ पर हमने एम लिख दिया, यहाँ पर एन लिख दिया, जो एम और एन कहाँ से निकालोगे, आप प्रयोग करके निकालोगे। कहाँ से निकालोगे, प्रयोग करके निकालोगे। आया समझ में, यही बात यहाँ पे होती है। तो आगे हम आगे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर के क्या होता है, के वेग स्थिरांक है और ए तथा बी क्रिया कारक ए और बी की क्रमशः संगतता के दर्शाता संगतता को दर्शाता है। उक्त तो समीकरण में एम और एन चर घनता को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, समझाते हैं आपको। यहाँ पर उक्त समीकरण में एम और एन क्या है हमारे पास, चर घनता को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल दीजिए या फिर गुणांक बोल दीजिए, आपको ये वर्ड डरावना लग रहा होगा लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्हीं को बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, ये जो आपको दिख रहे हैं ना आगे, इनको बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पर जो आप लोग एम और एन निकालोगे ना, एम और एन ये आपको प्रयोगों से मिलने वाले हैं, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इनको भी हम लोग स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं। नाम बड़ा है दर्शन खोटा इसका, ठीक है। किसी किसी के नाम बड़े होते हैं, दर्शन खोटे होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, याद रख सकते हो आप लोग स्टोइकोमेट्रिक गुणांक। आया समझ में, चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। यहाँ पर एम एन एन के, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब अगला टॉपिक हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ पर एम और एन के योग को इस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अर्थात उक्त निम्न अभिक्रिया की कोटि एम प्लस एन होने वाली है। हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि, ये आपको एक टॉपिक मिलने वाला है, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, बहुत सिंपल बात है, इससे सरल टॉपिक पूरी केमिस्ट्री में शायद ही होगा, अभिक्रिया की कोटि से। अभिक्रिया की कोटि इस तरह से आपको लिखना है, बस जोड़ना है आपको, ये जो यहाँ पर पावर लगी हुई है ना एम और एन, इनको बस जोड़ दो, ये होती है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, सिर्फ दो कंपाउंड को जोड़ दो जिनकी पावर है ना, पावर ए और बी की जो पावर है उनको आप लोग जोड़ दो, ये आपकी अभिक्रिया की कोटि बन जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ ये जो ऊपर की समीकरण दे रखी है, इस समीकरण की अभिक्रिया की कोटि क्या बनेगी, तो आप क्या बोलोगे, एम प्लस एन इस अभिक्रिया की कोटि बनेगी, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोगों को पढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की कोटि। चलिए तो यहाँ पे हमारा चालू हो जाएगा अगला टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि। उससे पहले हम लोग थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारे पास के होता है ना, के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, अभिक्रिया की कोटि के ऊपर। उसको तो फटाफट हम फिनिश कर लेंगे, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है वो। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेग स्थिरांक के ऊपर, वेग का स्थिरांक क्या होता है, वेग का स्थिरांक, ठीक है, ये आपको समझा दिया। जो के होता है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं वेग का स्थिरांक, ओके। लेकिन इसके ऊपर और चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर और चर्चा की जा सकती है, ओके। चलिए तो ये जो हमने बात आपको बताई यहीं पर, यहाँ पर ये बातें सारी यही लिखी हुई है, दो बार हमने रिपीट कर दिया। अगर आपको इस तरह समझना है तो इस तरह से समझ लीजिए, उस तरह से समझना है तो उस तरह से आप लोग समझ सकते हो, दोनों तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। ये भी वही वही बात है, पूरी की पूरी वही लिखी हुई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्योर क्यू हो जाएगा, और क्या, ठीक है, प्योर क्यू को अगर आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगी आपकी अभिक्रिया की कोटि, ओके। चलिए हम बात कर रहे थे वेग स्थिरांक के ऊपर, वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, जो के होता है ना हमारे पास, वही तो होता है वेग स्थिरांक, ये के, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास वेग स्थिरांक, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, यूनिट समझते हैं आप लोग, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, ओके। तो
तो हम इसकी मात्रक निकालने वाले हैं यूनिट के की। आप लोग यूनिट कैसे निकाल सकते हो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। ये के का मात्रक आप निकाल सकते हो इस तरह से। लेकिन एक काम करते हैं, आपको डायरेक्ट डेरिवेशन बताते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें मतलब नहीं है पढ़ने से। डायरेक्ट डेरिवेशन पे आते हैं, डेरिवेशन नहीं बोलेंगे हम लोग, छोटा सा फॉर्मूला है वो निकालेंगे हम लोग। तो हमें पता है जो हमारा अभिक्रिया का दर होता है, ठीक है, जो कि वेग नियम के द्वारा हम निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर के लिखेंगे। अभी थोड़ी देर के मान लो हमारे पास दो अभिकारक हैं ए और बी। तो मान लो ए है हमारे पास और बी है हमारे पास, ठीक है। इनकी कुछ पावर होगी, इनकी कुछ पावर होगी। इसकी पावर हम मान लेते हैं एक्स से, इससे क्या माने, अरे इसकी वाई मान लो, और क्या आया इतना समझ में। चलिए आगे आप लोग देखिए। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ के की आप लोग क्या निकाल के बताओ, मात्रक निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे आप, क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिख लोगे। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इस के को इधर रहने दोगे, इधर रहने दोगे, बाकी सबको इधर ले आओगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अगली इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप क्या करोगे, अब आपको क्या निकालनी है, मात्रक निकालना है भैया। तो मात्रक निकालने के लिए हमें सबका अलग अलग मात्रक निकालना पड़ेगा। फिर जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा, उत्तर आएगा, वही किसका मात्रक होगा, के का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं भैया। बात करते हैं आर ओ आर, मतलब हमारे पास अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की जो दर होती है उसका मात्रक क्या होता है, अगर आपको पता हो। चलिए मान लो आप लोग भूल गए हो, अभिक्रिया की दर आपको स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था। अभिक्रिया की दर जो होती है उसका मात्रक अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से। होता क्या है, हमारे पास अभिकारक जो होता है वो समय के साथ परिवर्तित होता है। ये इसका फॉर्मूला होता था, ये इसका फॉर्मूला होता था, ठीक है। अभिक्रिया जो होती थी हमारे पास, सॉरी क्रियाकारक जो होता था, ठीक है, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आता था, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, उसी को हम लोग बोलते थे अभिक्रिया का दर। ओके, तो इस तरह से आप लोग समझेंगे यहाँ पर। अब हमें यूनिट निकालनी है इसकी। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले तो आर की यूनिट चाहिए। कंसंट्रेशन सांद्रता की यूनिट क्या होती है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं। ये यूनिट होती है हमारे पास मोल पर लीटर। अरे यही तो होता है सांद्रता हमारा, मोल पर लीटर, और क्या, तो मोल पर लीटर लिख दिया। नीचे क्या है, समय, समय को किसमें मेजर करते हैं हम लोग, समय को मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है। यही अच्छी एसआई यूनिट होती है, ठीक है, सेकंड में हम लोग मेजर करते हैं। ओके, तो ये इसका मात्रक बन गया भैया, ये इसका मात्रक बन गया। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और सेकंड को हम लोग सेकंड इन्वर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्स समझते हो आप लोग क्या होता है, ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये इसका इन्वर्स बन जाएगा, और क्या, ओके, इस इन्वर्स बन जाएगा इस तरह से। तो ये बात हो गई, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर से हमारे पास सांद्रता आ गया। सांद्रता की यूनिट फिर से आप लोग ध्यान दीजिए मोल पर लीटर होती है, तो हम लोग लिखेंगे मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसकी पावर क्या चलेगी भैया, एक्स चलेगी। ये क्या होता है, मोल पर लीटर। इसकी पावर क्या चलेगी, वाई चलेगी, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, ए और बी क्या है हमारे पास, सांद्रता है। ध्यान रखना, कभी भी इस तरह के ब्रेकेट आपको दिख जाए तो ये क्या बताते हैं, सांद्रता को बताते हैं, ठीक है। सांद्रता की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पर पावर क्या बनी भैया, हमारे पास एक्स और वाई बन गई। अब आपको पता है अगर हम लोग एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अभी आपको बताया था क्रिया कोटि बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अभिकारक की कोटि बन जाएगी, अभिकारक की कोटि बन जाएगी, अभिक्रिया की कोटि बोलना चाहिए हमें, क्रियाकारक की कोटि बोल रहे हैं हम लोग, अभिकारक की कोटि बन जाएगी। आया समझ में, इसको हम लोग एन से लिखते हैं, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, आया समझ में, इसको बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, इसको हम लोग एन से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इनको जोड़ देते हैं, चलो, और क्या, इनको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बना, एन बना। वैसे आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, आप इतना पछता नहीं पड़ता आपको। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप लोग लिख दो ए है हमारे पास, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे भैया, हमारे पास ए है और बी है, दोनों के हमारे पास सांद्रता है, एक तरह से लिख दो दोनों की, उसके पास पावर लगा दो एन, तो इस तरह से भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो आप किसी एक को लिख लीजिए, क्योंकि बात तो एक ही यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग, यूनिट निकालने के लिए आप किसी एक को भी ले सकते थे, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि को हमने किससे लिख दिया, एन से लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आई, तो बस यही इसका फॉर्मूला हो गया, और क्या। अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, या फिर कुछ और जुड़ रहा हो तो जोड़ दो। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब वन है। ओके, अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, तो ये क्या होगा, अगर ये भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये जो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ध्यान है आप सभी को, अगर हम लोग वन से वन अपॉन एस लिखते हैं तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, एस का इनवर्स हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर ये यहाँ पर एन है, अगर यहाँ पर मान लो एन होता तो क्या हो जाता, एन का इनवर्स हो जाता, एन का इन्वर्स हो जाता। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर हो जाएगा एन का इन्वर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और उसके क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये बना दिया हमने, ठीक है। ये सब क्या आ चुके हैं, सब ऊपर आ चुके हैं।
ओके okay, तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर एन है, आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि अगर एक्स की पावर भी सेम हो जाए, एक्स की पावर एम हो और एक्स की पावर एन हो, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या आता है एक्स प्लस एन आ जाता है हमारे पास पावर में। तो यही करेंगे हम लोग, ये मान लो एक्स है आपके पास, ये भी आपका एक्स है, दोनों सेम सेम है, तो दोनों की पावर को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा, वन माइनस एन को जोड़ेंगे तो वन माइनस एन यहाँ पर आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स यहाँ पर चलता रहेगा। इस तरह से आप लोग इसकी मात्रक निकाल सकते हो, आया समझ में? तो ये इसका फॉर्मूला होता है और ये आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके चलिए, तो अगर आपसे बोले कि मान लो हमारे पास जो अभी जो हमारे पास अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, ओके अभिक्रिया की कोटि कितनी है हमारे पास, वन है, ठीक है, मतलब हमारे पास अभिक्रिया की कोटि कितनी आई है, वन आई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास। ओके तो आप क्या बोलोगे, आपसे पूछे कि बताओ और इस समय के की वैल्यू क्या रहेगी, इस समय के की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर हमारे पास जो एन था, एन क्या होता है अभिक्रिया की कोटि, इसकी वैल्यू अगर आप वन रख दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी वन आ जाएगा और वन 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 में से वन गया तो कितना बचा, जीरो बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, मतलब ऊपर तो पावर में जीरो आ जाएगा, लेकिन किसी भी चीज की पावर, एम की पावर अगर आप जीरो लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर वन है, मतलब वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर पूरा वन आ जाएगा, तो वन इंटू सेकेंड इनवर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। तो हमेशा ध्यान रखना जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब अभिक्रिया की कोटि अगर प्रथम हो तो क्या बोलोगे आप लोग, इसकी जो यूनिट आएगी, इसका जो मात्रक आएगा, वो हमेशा सेकेंड इनवर्स आने वाला है। वैसे आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन ये भी इसका याद रखने का तरीका होता है। ओके चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अब आगे हम देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसकी जो पावर है वो जीरो हो जाए, और क्या, अगर हम लोग किसी दो पावर का सम करें तो कितना आएगा, जीरो आएगा, तो हम उसे क्या बोल देंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल देंगे। चलिए इसको समझते हैं, वहां अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात वहां अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर मान लो हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, एक अभिक्रिया हमारे पास दे रखी है कि ए है बी है, दोनों मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, हमें उत्पाद दे रहे हैं, ठीक है, हमें क्या दे रहे हैं, उत्पाद दे रहे हैं, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब आपको इसका क्या निकालना है, इसका वेग निकालना है, ठीक है, अभिक्रिया की दर निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, के लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर ए लिखोगे। अब आप क्या पूछोगे कि आपने इसका प्रयोग किया तब यहाँ पर पावर क्या आई, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट क्या आया, तो वो आपको जवाब देंगे कि यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से आपकी क्या आएगी, प्रयोग से आपने पता लगाया, प्रयोग से आपने पता लगाया कि इसकी जो पावर आएगी वो आएगी जीरो, ठीक है, मतलब यहाँ पे आएगा जीरो, तो ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं, आया समझ में? आप इसको देख सकते हो, क्या हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना ही इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, जो हमारे पास अभिक्रिया की दर है ना, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, ये बात होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया में, वहां अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, निर्भर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो ये देखो ना, हमारे पास ये जो अभिकारक है हमारे पास, इसकी सांद्रता पर कहाँ डिपेंड कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए इसको हम लोग जीरो बोल रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर आर ओ आर निकालोगे, आर ओ आर मतलब होता है अभिक्रिया की दर, ठीक है, अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, हमेशा ये के आएगी, क्योंकि ए की पावर तो हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो हमेशा ये रहेगा, आया समझ में? ये होती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए अब इसका हमें पूरा डेरिवेशन करना रहेगा, तो इसको हम देखते हैं। माना कि अभिक्रिया के लिए, माना कि एक हमारे पास अभिक्रिया है जिससे ए से हमें क्या मिल रहा है, एक उत्पाद मिल रहा है, ठीक है, मान सकते हैं कुछ भी आप लोग, आप चाहे तो यहाँ पर बी भी मान सकते हैं, एक ही बात है सब, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि हमने हमारे पास सिर्फ ए है, उससे हमें उत्पाद मिल रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होगा भैया, अभिक्रिया का वेग मतलब आर ओ आर क्या बनेगा हमारे पास, आर ओ आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, समानुपाती किसके रहेगा, इसके समानुपाती रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर के आएगा, यहाँ पर ए की जो पावर रहेगी, जो घात रहेगी, वो जीरो आ जाएगी। ओके, ये बात हमें समझ में आई। उसके बाद
हमने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब आपको एक बात बताई थी कि आप लोग रेट को, ठीक है, दर को, यहाँ पर दर लिख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अभिक्रिया की दर को आप लोग क्या लिख सकते हो, डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी सांद्रता में परिवर्तन, इसकी सांद्रता में परिवर्तन को आप लोग इस तरह से आप बता सकते हो, ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में। ये भी आपको बताया था कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। और रेट जो आपका है, ठीक है, वेग का जो नियम है, वेग के नियम के अनुसार आप क्या लिख सकते हो, वेग के नियम के अनुसार आप लोग दर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, के की पावर ए, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें तो वहां पर तो ये सिर्फ क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि ए के ऊपर वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग वन मानेंगे। ओके, तो आप लोग सिर्फ इतना लिखेंगे कि यहाँ पर के बराबर ये आने वाला है। तो हम लोग दोनों को यूज करेंगे, हम जब डेरिवेशन निकालेंगे तब दोनों को यूज करेंगे, मतलब पहले वाले वेग को भी जो हमने निकाला था वेग की अभिक्रिया से उसको भी यूज करेंगे, और साथ साथ जो हमने वेग के नियम में जो पढ़ा था, वेग के नियम जो पढ़े थे हमने, वहां पर से जो हमने अभिक्रिया की दर निकाली थी उसको भी हम लोग उपयोग में लाने वाले हैं। चलिए, तो हमें क्या पता है, डी आर बाई डी टी आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप इसी को ए लिख दीजिए, ठीक है, ए का मतलब भी वही है आपका, ठीक है, अभिकारक। ए क्या है हमारे पास, अभिकारक है, क्योंकि तो इसके हिसाब से तो ए है ना हमारे पास, ये देखो यहाँ पर, इसके इसके अनुसार तो हमारे पास यहाँ पर ए रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए बाय डी टी। अगर हमें सांद्रता की बात करनी है तो यहाँ पर इस तरह से कोष्टक लगा दो, और क्या, ओके, तो ये किसके इक्वल रहेगा, के इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए की पावर है वो क्या हो जाएगी, वो तो वन हो जाएगी। अरे किसी की पावर वन जीरो होती है, इसका मतलब होता है वो वन होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, अब आपको ये भी पता है कि इसके आगे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारे पास अभिकारक होता है वो समय के साथ साथ घटता जाता है, समाप्त तो होता जाता है, अदृश्य होता जाता है। ओके, तो ये बात रहेगी, तो हम लोग इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई दिया। ओके, चलिए, तो हमारे पास अब डेरिवेशन किस तरह का बन चुका है, अब कुछ इस प्रकार का हमारे पास हमारा डेरिवेशन बन चुका है। ओके, हम आगे देखेंगे, यहाँ पर के क्या है, के एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, ये तो हमें पहले से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, फिर हमने यह भी पता हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो ए की पावर जो जीरो लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि माइनस डी ए इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अरे यहाँ से देखो ना आप लोग, ये जो डी टी है यहाँ पर, ए डी टी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, इतना तो हमको आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब आपको एक बात बता दें, जब भी ये डी लिखा हुआ आता है, जब भी ये डी लिखा हुआ आता है कहीं पर भी, यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ये बहुत छोटी बात कर रहे हैं। छोटी बात किस तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो दे रखा है अभिकारक, अभिकारक को हम लोग बहुत छोटा मान के चल रहे हैं, ठीक है। डी टी का मतलब यही होता है एक छोटा सा समय, डीए का मतलब होता है एक छोटा सा अभिकारक हम लोग मान के चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभिकारक तो ज्यादा होगा, छोटा सा तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब हम लोग समाकलन कर देते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह का हम लोग साइन लगाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी देख लीजिए, इसको बोलते हैं समाकलन, ठीक है। समाकलन, समाकलन का मतलब होता है जोड़ लगा देना, किसी चीज को जोड़ देना, छोटी छोटी चीजों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर समाकलन लगा देते हैं। समाकलन का साइन किस प्रकार का होता है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से आप लोग समाकलन लगा दोगे, समाकलन लगा दोगे, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो आप बताइए, अगर आप लोग छोटा छोटा डीए जोड़ते जाओगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा सा डीए बन जाएगा, सॉरी ए बन जाएगा। अगर आप लोग ए को जोड़ते जाओगे, छोटे छोटे ए को जोड़ते जाओगे तो ए बन जाएगा बड़ा सा, ठीक है। और आपको डायरेक्ट बता दें, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, तो ये समझा दिया आपको। फिर यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट हमारा, देखो हुआ क्या, हमारे पास डी टी था, के डी टी था, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो के बाहर निकलेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास डी टी। अब डी टी क्या है, छोटा छोटा डी टी जोड़ोगे तो टी बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास के टी, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास के टी। अब जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन जब हम करते हैं,
तो एक हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, स्थिरांक आ जाता है, आप लोग उसको सी बोलोगे, ठीक है, समाकलन का स्थिरांक बोल देते हो। इसको हमें आप इसको हमेशा आपको जोड़ना पड़ता है, इसे आपको हमेशा जोड़ना पड़ता है। अगर जिन लोगों को इंटीग्रेशन आता है उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उनको चिंता करने की बात नहीं है, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिए, आपको यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई थी, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आई हमें कि यार आगे क्या होगा। तो आप देखिए, इतना आपको समझ में आया, अब क्या करो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, मतलब इसका भी इंटीग्रेशन निकाल दो, समाकलन निकाल दो, इसका भी समाकलन निकाल दो भैया। तो आप लोग अगर इसका समाकलन निकालोगे तो यह आएगा ए, अब माइनस का साइन तो आगे लगा हुआ है तो इसको यहाँ पे लगा दो। उसके बाद ये के जो है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कभी भी, इस तरह का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं निकलता, समाकलन नहीं निकलता है। तो अब आप क्या करोगे, डीटी को जोड़ दोगे। तो अगर आप लोग छोटे छोटे डीटी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, टी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी आपको जोड़ना ही रहेगा किसी भी हाल में। तो बस इस तरह से आपने बना दिया, इस तरह से आपने क्या करा, बना दिया। ओके, चलिए, तो हमारा यहाँ तक पहुंचा दिया हमने कहानी को, कहानी को हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। अब देखिए, हमें दिक्कत कौन दे रहा है, दिक्कत दे रहा है ये सी हमको दिक्कत दे रहा है। तो हम क्या करें, इस सी को हटाने के लिए, इस सी की वैल्यू निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हम लोग इसका मान निकालने के लिए कंडीशन लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, कंडीशन हम लोग कब लगाते हैं, जब हमें किसी चीज का मान निकालना होता है। तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, हम मान के चलते हैं, ये देखिए हमारे पास कंटेनर है, ओके, ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमने पानी डाल रखा है, ये हमने पानी डाल रखा है। अब आप इसमें शक्कर डालते हो, क्या डालते हो, इसके अंदर शक्कर डाल देते हो, ठीक है। मान लो 5 किलो आपके पास शक्कर है, 5 kg आपके पास शक्कर है, ओके, शक्कर आपने मिलाई, तो क्या होगा, समय के साथ साथ, मान लो आधे घंटे बाद आपने देखा, आधे घंटे बाद आपने देखा, 1 आवर आधे घंटे बाद आपने देखा, तो क्या हुआ, आधे घंटे बाद पूरी तरह से शक्कर हमारी कहाँ क्या हो गई, पूरी तरह से शक्कर जो थी हमारी वो इसमें मिल गई, ठीक है, पानी में पूरी तरह से घुल गई, आया समझ में, ये हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जब समय 0 था, यहाँ पे समय 0 था, यहाँ पे समय कितना हो गया, 30 मिनट का हो गया, आधा घंटा हो गया, ठीक है। जब हमारे पास समय 0 था, उस समय हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब शक्कर की कंसंट्रेशन कितनी थी, पूरी थी, जितनी उसकी थी वैल्यू 5 किलो, वो पूरी की पूरी थी। तो जब भी हमें पूरी कंसंट्रेशन बतानी होती है, सांद्रता बतानी होती है, तो आप क्या बताते हो, उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हो, ठीक है, संपूर्ण सांद्रता को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हो। इसके ऊपर क्या लगा दो, नोट लगा दो, क्या लगा दो, ऊपर मत लगाओ, आप लोग यहाँ पे लगा दो, क्योंकि ऊपर को तो हम लोग अलग समझते हैं, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि समझते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पूर्ण, पूर्णतया बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपका। इसका मतलब है कि आपके पास जो कंसंट्रेशन सांद्रता है वो पूर्ण है, ठीक है, इस समय पे आपके पास सांद्रता कितनी है, पूर्ण है, 5 किलो का आपके पास पूरा है, आया समझ में, ये चीज होने वाली है। तो हम लोग कंडीशन ये मान के चलते हैं कि जब हमारे पास समय 0 था, उस समय हमारे पास ए कितना रहेगा, ए हमारे पास ए नोट रहेगा, ओके, ए नोट मतलब पूरा हमारे पास ए रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज है हमारे पास, इसको कहाँ पे रखेंगे, इस समाकरण में रख देंगे, ठीक है, इस समीकरण में हम लोग रख देंगे। चलिए रखते हैं हम लोग, तो ए की जगह पर क्या जाएगा, ए नोट आ जाएगा। के की जगह पर क्या जाएगा, के की जगह पर कुछ नहीं आया, के की तो क्योंकि के तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, स्थिरांक है ये। तो टी की जगह पर क्या आ जाएगा, टी हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर देखो ना आप लोग, टी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। अब सी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो बस इस चीज से हम लोग सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आप लोग देखिए, तो ये के की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस का हमारे पास ए नोट आया, माइनस का ए नोट हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस सी की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस का ए नोट हम लोग रख देंगे, ठीक है, माइनस का ए नोट हम लोग रख देंगे। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, अगले स्टेप में आपको इसको और सोल्व कर देना है। क्या सोल्व करोगे इसमें आगे, आप लोग, आपको कुछ नहीं करना, ये जो के है ना के, इस के की यहाँ पर टी आएगा, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। एक काम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, आपको यहाँ पर करवा के बता देते हैं। तो आपने जब वैल्यू रखी सी की, तो क्या बनेगा ये, इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा माइनस ए नोट। मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से हमें आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारी सी के थी, ये जो सी की वैल्यू थी, हमने अगर इस समाकरण में रख दी, कौन सी वाली में, इसमें रख दी, तो क्या बना, ये बन गया के, तो हमारे पास के टी रहेगा, और सी की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस, माइनस का हमारे पास ए नोट आ जाएगा, ठीक है, ए नोट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहाँ पर हमारे पास 0 थोड़ी आएगा भैया, इस तरह से बनेगा हमारे पास, ओके, ये रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। एक काम करो, के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पर माइनस का आई नोट लिखेंगे, माइनस का आई लिखेंगे, उसके बाद इधर इसको इधर ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे भैया, तो क्या होगा ये इस तरह से बन जाएगा। ओके okay. फिर क्या होगा ये किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर के टी आ जाएगा, क्या जाएगा, के टी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ए नोट माइनस ए लिख सकते हैं, एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे, यहाँ पर टी लिखेंगे। अब इस टी की वैल्यू चाहिए हमें, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, के की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए नोट को ऐसा कैसा लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे। ओके और फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, ये इस के की वैल्यू आ गई हमारी, ये के की वैल्यू आ गई। ओके इस तरह से हम लोगों ने के की वैल्यू, इस तरह की वैल्यू निकाल ली। देखो अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आपको बता दें ये मुश्किल नहीं है, जब आप लोग प्रैक्टिस करके देखो खुद से तब आपको चीज समझ में आ जाएगी। हमें यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना रहेगा, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, वैसे तो जब ये नोट्स अपलोड करेंगे तब आपको यहाँ पर हम लोग करेक्शन करके ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर के टी आएगा क्योंकि वाई क्या है हमारे पास, वाई तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टी आएगा। ओके जब आप लोग एक बार प्रैक्टिस करोगे खुद से तब आपको चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अर्ध आयु का मतलब समझते हैं हम लोग, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वह समय है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का व्यंजक ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए समझाते हैं आपको, मान लीजिए फिर से वही एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये आपके पास पानी है, ये आपके पास पानी है, इसमें आपने क्या कर रखा है, इसमें आपने 5 किलो, इस बार काम करते हैं 6 किलो मान लेते हैं, 6 किलो मान लेते हैं, 6 kg आपने इसमें शक्कर डाल रखी है। ठीक है, 6 किलो आपने इसमें शक्कर मिला रखी है, तो क्या होगा भैया, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आप मान लो ये कितनी हो चुकी है, ये मान लो अब कितनी हो चुकी है, ये मान लो 3 kg हो चुकी है, यहाँ पे समय था हमारे पास T1, यहाँ पे समय हो गया T2, तो T2 समय पर ये कितनी हो चुकी है, ये आधी हो चुकी है, तो इस समय ये जो T2 रहेगा, ये जो T2 रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयु बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अर्ध आयु बोलेंगे। ठीक है, जहां पर अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, किसी किसी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल वहां होता है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण के निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। देखिएगा आप लोग, ये चीज समझ में आई है आपको, जो आपकी अभिकारक है उसकी जो सांद्रता है वो आधी हो जाती है, सांद्रता क्या हो जाती है हमारी, आधी हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल बोलते हैं, अर्ध आयु काल हम उसे बोलते हैं। ठीक है, आधी हो जाती है हमारे पास। चलिए, तो ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास भैया अर्ध आयु काल। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे, ये काफी सिंपल है। ठीक है, आपने जो किया था ना उसी में हम लोग वैल्यू रखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आ जाइए, आपको यहीं पर समझा देंगे। यहाँ पर ही देख लीजिए, यहीं पे आपको समझा देते हैं, हमें क्या निकालना है, अर्ध आयु काल निकालना है। ठीक है, अर्ध आयु काल हमें निकालना है, अर्ध आयु काल हमें निकालना है। अर्ध आयु काल को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, टी और हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, ये होता है हमारे अर्ध आयु काल। तो मान लीजिए हमारे पास अर्ध आयु के समय पर के की वैल्यू क्या होगी, तो जो टाइम होगा हमारे पास वो हो जाएगा T/1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी वजह से हम लोग निकाल रहे हैं, इसी के हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए नोट की जगह ए नोट आ जाएगा, ए नोट की जगह पर ए नोट आ जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, आपको बताया हमने अर्ध आयु काल पर जो हमारे पास अभिकारक की सांद्रता होती है वो आधी हो जाती है, तो हम लोग आधी को किस तरह से लिखेंगे, कि हमारे पास फूल है, फूल में से आधा कर दो इसको, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, इसको हमने आधा लिख दिया, तो बस इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आए वो आपकी के की वैल्यू हो जाएगी। और अगर आपको टी हाफ चाहिए तो टी हाफ भी आप निकाल सकते हो, इसको यहाँ पे ले जाइए और इसको यहाँ पे ले आइए, इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, आप लोग सभी सॉल्व कर सकते हैं, काम करते हैं, हम ही सॉल्व करके बता देते हैं आपको क्या होगा आगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको टी आप निकालना है तो टी आप यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/k आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए नोट बाई 2 आ जाएगा।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और क्या, बस यही होता है, यही आपका क्या होता है, टी हाफ होता है। ठीक है, टी हाफ बोल दो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अर्ध अर्ध आयु, अर्ध आयु, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, यही होता है हमारे पास। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरह से आपको सोल्व करना रहेगा। तो खास बात आपको सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि अर्ध आयु काल पर क्या होता है, अर्ध आयु काल पर हमारा जो आर होता है ना, ये जो आर होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, आर नॉट बाय टू हो जाती है। मतलब जो पूरा होगा, पूरा का आधा कर दो। ठीक है, पूरा कितना होता है हमारे पास, संपूर्ण कितना होता है, आर नॉट होता है, उसका आधा कितना होगा, तो आधा कर दो उसको, टू से डिवाइड कर दो, और क्या, ये चीज होती है। ओके, चलिए, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया भैया, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया, अब देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अगर आपको इसका वेग निकालना है, ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, वेग के नियम के अनुसार आप कैसे निकालोगे। अगर मान लीजिए आपके पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार से दे रखी हो, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर हमें क्या दे रहे हैं, हमें उत्पाद दे रहे हैं। ठीक है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया हमारा। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, फर्स्ट फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे, प्रथम के लिए आप लोग क्या लिखोगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आप क्या लिखोगे, इसकी जो रिएक्शन आप लोग बनाओगे, ठीक है, इसकी अभिक्रिया आप लोग किस तरह से बनाओगे, समीकरण किस तरह से बनाओगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, के लिखोगे, यहाँ पर ए लिखोगे। ए की अगर आप लोगों को बोले कि घात कितने लगाओगे, तो यहाँ पर लगाओगे एक। क्यों लगाओगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, निर्भर किसके ऊपर करेगा, इस ए के ऊपर निर्भर करेगा बस। ओके, ये बी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, यही आपकी क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ओके, पढ़ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेशन करेंगे। ओके, डेरिवेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रथम और जीरो। ठीक है, मतलब शून्य। फिर से हम लोग वही बात देखने वाले हैं भैया, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा जो अभिकारक होगा उसके लिए निकालेंगे, उसके बाद उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यही कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर भी यही करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक एक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से हो रही है। ओके, ए से उत्पाद हमें बन रहा है, ए से हमें उत्पाद मिल रहा है। ठीक है, ए से हमें क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर बी भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, समझने के हिसाब से आप समझ सकते हो। ओके, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आप चाहो तो उसको इस तरह से बना सकते हो, एक ही बात होती है ये, इस तरह से आप लोग बना लीजिए, ये बन गया आपका। ओके, अब आपको ये भी पता है ये किसके बराबर होता है, यही हमारा किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर किसके होता है भैया, ये हमारा वेग समीकरण के अनुसार, वेग समीकरण के अनुसार, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार ये क्या होता है, के ए होता है, ए की पावर क्या होती है, वन होती है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए, बात हो जाएगी खत्म यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा आप लोग मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन हम ही सोल्व करवा के बताते हैं आपको किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। फिर से हमारा जो डी टी यहाँ पर अपॉन में है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, इस तरह से काम करते हैं, साइड में हम सोल्व करते रहते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आती रहेगी। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर आपको सोल्व करवा के दिखा देते हैं, यहाँ पर करते जाते हैं हम लोग सोल्व साथ साथ। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी ए लिखेंगे। ठीक है, डी ए लिखेंगे, इजिकल्स टू करेंगे ए के, ए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे कर देंगे डी टी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर इस तरह से हम लोग कर देंगे। ओके, तो इसमें हमने क्या मिला, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें अभी तक कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग फिर से इसको आगे सोल्व करेंगे, डी ए करेंगे, डी ए करेंगे, पॉन में क्या करेंगे, ए करेंगे। इसको आप लोग इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी समझने में। इसको थोड़ा सा बेक करते हैं हम लोग, पीछे करते हैं थोड़ा सा, आपको बताते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो सांद्रता होती है वो तो हमें ए की निकालनी है ना, और नीचे का लिख देते हैं ए लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या बचे, इधर क्या बचेगा भैया हमारे पास, इधर बचेगा के और यहाँ पे बचेगा डी टी। अब आप क्या करिए, अब दोनों का समाकलन करिए, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो अभिकारक है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है, तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये बात तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो अब आप लोग इसका करिए, अब आपको बता दें,
अगर आप लोग समीकरण किसका करते हो, अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से करते हो, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से दे रखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा हमारे पास, तो वो क्या आएगा हमारे पास, समाकलन का जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा लॉग एक्स। क्या आएगा? लॉग एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अगर आप मैथ्स वाले हो तो आपको पहले से याद होगा, बायो वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, सभी याद ही करते हैं इसको, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स लिख सकते हैं। लॉग एक्स लिख सकते हैं। वैसे आप लोग फिजिक्स में भी इसको देखोगे तो आप लोग याद ही कर लीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, लॉग एक्स आ जाएगा। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, ए, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको सिखा दिया हमने यहीं पर। यहाँ पर क्या आएगा, के तो कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। बच्चा क्या हमारे पास, भैया बताइए आप लोग, ठीक है आप कैसे बताओगे, आप तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है हमें बता देते हैं। तो यहाँ पर जो छोटा छोटा डी टी है ना, इसको अगर आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, और साथ में क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, सी आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है इसको भूल नहीं जाना रे, ठीक है ये हमारा बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार में हमारा भूल नहीं जाना रे, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए, तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई, मतलब हमने यहाँ तक फिनिश कर दिया, यहाँ तक हमारा आ गया भैया। ओके चलिए, अब अगली अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, चलिए तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया, तो इतनी चीज हमें समझ में आ गई भैया। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे भी कुछ करेंगे। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। पिछली बार देखो, जो हमने जीरो के लिए किया, शून्य के लिए किया, उसी प्रकार से यहाँ पर करते जाना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, हमने कैसे निकाली थी, हमने क्या मान लिया था, हमने मान लिया था टी टी को जीरो। टी जीरो जब था हमारे पास, तब हमारे पास अभिक्रिया की सांद्रता कितनी थी, ए नोट थी हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग ब्रीफली बता चुके हैं आपको, तो अब आपको समझना रहेगा। ठीक है, ए नोट रहेगा। अरे जो ए रहेगा ना, जो ए रहेगा उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, ये हम उसको फुल मान सकते हैं, समय जीरो के ऊपर। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। तो ये रहेगा हमारे पास ए नोट टी जीरो, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। तो रखिए आप लोग यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो, यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू जीरो, और यहाँ पर ए की जो वैल्यू रहेगी वो ए नोट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू क्या मिलेगी, सी की वैल्यू ये मिल जाएगी, सी इक्वल्स टू क्या बनेगा, लॉग ए नोट, लॉग ए नोट बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए आप लोग आगे, इस ए नोट को कहाँ रखेंगे, इस सी के अंदर रख देंगे। ओके चलिए, तो ये रख दिया हमने। अब क्या होगा भैया, आगे बताइए आप, आगे क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे आगे हम, और क्या। तो ये हमारे पास है लोग ए, ये हमारे पास है लोग ए नोट, इसको इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बता देते हैं हम लोग, अगर इस तरह से आपको दिखता है लोग एम माइनस लोग एन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लोग एम अपॉन एन, लोग एम अपॉन एन। इसको आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसकी वजह से इस तरह से हमारे पास हमारी आइडेंटिटी, हमारी समीकरण कुछ इस प्रकार से दिखने वाली है हमें। ओके, तो ये रहेगा, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे, हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालना चाह रहे थे यहाँ पर, सी की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं डायरेक्ट। ठीक है, सी का मान इस तरह से लोग ए नोट कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर लोग ए नोट माइनस के टी, लॉग ए नोट माइनस के टी, सी का मान समीकरण एक से। अच्छा, ये दो बार लिख गया ना हमने, चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, दो लाइन हमारी रिपीट हो चुकी है, तो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, हमने यहाँ से यहाँ तक फिर से लिख दिया, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है, आगे कर लेंगे अब सोल्व, क्या दिक्कत है। अरे दिक्कत कुछ नहीं है लाइफ में, बस दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये लोग दे रहा है हमें। ठीक है, लोग दुनिया में बहुत दिक्कत देती है। लोग अगर कन्वर्ट करोगे आप लोग, ठीक है, अगर आपको लोग हटाना है तो क्या जाता है, ई आ जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लोग ई लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको यहीं पर समझा देते हैं, आपको चीजें यहीं पर समझ में आ जाएगी। अब ये लोग हटेगा, इस लोग को हटेगा, ये लोग अगर हमको हटाना है तो यहाँ पे क्या जाएगा, ई आ जाएगा, और ई की पावर में क्या जाएगा, के टी आ जाएगा। ये एक नियम होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, जो लोग एक्स होता है ना, लोग एक्स, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स लिख सकते हो, ये चीज होती है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से होता है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर ई लगा देंगे, तो ई की पावर में क्या हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी हो जाएगा, ये होता है चीज। ठीक है, अब हमें एक और चीज याद रखनी पड़ेगी भैया। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी, ये हो गई हमारी भैया। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, इस तरह से आप लोग लिख लोगे। ठीक है, ये हो गया एक नियम हमारे पास। एक और काम आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो पता है आपको, यहीं पर देख लीजिए, आप लोग यहीं पर सोल्व कर सकते हो इसको।
ये स्टेप तो चलो ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इसको यूज नहीं करते हम लोग। हम लोग चाहते हैं हम लोग में ही आंसर ले आए, हम चाहते हैं हम लोग लोग में ही आंसर लेके आ जाए। ईमेल आना चाहो तो ईमेल ले आओ, ठीक है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लोग में ही ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, यहाँ पर देखना, ये है हमारे पास। अब क्या करें हम लोग, अब हम ये कर सकते हैं, कहाँ गया हमारा लोग, अच्छा ये तो हमारा हो चुका है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आपको लोग को लोग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो, आप अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है आपको तो आप क्या करते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो। जब भी आप लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके हमारा जो लोग होता है, लोग एक जो होता है, लोग एक्स होता है, अगर आपको इसको लोग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसमें इसमें आप लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्यों चाहते हैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना, क्योंकि लॉग बेस 10 में हमारे पास वैल्यू दी हुई होती है, हमें जो जितनी भी वैल्यू याद है वो लॉग बेस 10 में याद है, इसमें हमें कोई सी वैल्यू याद नहीं होती है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, आप आगे भी पढ़ोगे, आगे वाले जो टॉपिक आने वाले जो टॉपिक है ना उनमें भी आप लोग पढ़ोगे, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, आप लोग हमेशा क्या चाहते हो कि इसे हम लोग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये कर लिया हमने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे गया ये, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 2.303 लॉग बेस 10, यहाँ पे आ जाएगा ए, अपॉन में आ जाएगा ए नॉट, ए नॉट। अब क्या होगा भैया, आगे बताइए, आगे देखिए आप लोग, आगे इक्वल टू में साइन है हमारे पास, आगे इक्वल टू रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के टी, माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। अब देखिए, अगर आपको मात्र और मात्र के की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, बाकी सभी को किधर भगा दोगे, अपॉन में भगा दोगे, ठीक है, यहाँ पे जाएगा लॉग बेस 10, यहाँ पे आ जाएगा ए, अब कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए नोट, ठीक है, ए नोट आ जाएगा, एंड उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, माइनस भी साइन है क्या हमारे पास, कहाँ गया माइनस, ये रहा माइनस, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, लॉग बेस ए टी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास होने वाला है, इस माइनस का क्या करें हम लोग, इस माइनस का क्या करें, माइनस को इधर भगाइए, माइनस को आप लोग इधर लिख दीजिए, ये आ गया हमारे पास माइनस, ठीक है, तो इस प्रकार का हमारे पास समीकरण बन गया, क्या आपको दिख रहा होगा, एक काम करते हैं इसको थोड़ा तो हाईलाइट कर देते ताकि आपको चीजें दिख जाए, ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया। अब हमारे पास माइनस दिक्कत दे रहा है, ये माइनस हम चाहते नहीं है किसी के आगे माइनस लगाए, तो आपको बता दें इस माइनस को हम लोग अंदर भेज सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये जो माइनस हमें दिक्कत दे रहा है ना, इस माइनस को क्या करें हम लोग अंदर भेज दें, तो क्या होगा, ये माइनस को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लॉग 10 है, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर अपॉन में क्या है, ए नोट है, ठीक है, तो हम क्या करें, ए नोट को ऊपर ले आते हैं, इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर भेज देंगे, ठीक है, माइनस को हम लोग क्या करेंगे, अंदर भेज देंगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या काम कर देगा, इसको ऊपर इसको नीचे कर देगा, तो ये काम कर देगा माइनस, तो इसकी वजह से ये जो हमारा ए था ये ऊपर था, ए नोट हमारा नीचे था, तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये ए नोट ऊपर, ए हमारा नीचे, तो इसलिए हमने क्या किया, माइनस को हटा दिया, ठीक है, माइनस अंदर चला गया, अरे माइनस कहाँ चला गया, अंदर, अंदर जाके क्या करेगा, उल्टा पुल्टा काम कर देगा, ए नोट को नीचे भेजेगा, ए को ऊपर भेज देगा, ओके, ये काम करेगा ये, बस यही हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपको फिर से लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, ये तो हमसे याद नहीं होगा, तो आपको बता दें याद आपसे हो जाएगा, याद आपसे हो जाएगा, ठीक है, विश्वास कीजिए हो जाएगा आपसे, बस प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, ओके, विश्वास रखिए हमारे ऊपर, विश्वास रखिए अपने आप के ऊपर, हो जाएगा आपसे। चलिए फिर से आ गया भैया अर्धायु, अर्धायु काल आपके पास फिर से आ गया, इसको आप लोग किस तरह से सॉल्व करोगे, वही तरीका आपके पास कि भैया जो आर है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, R0 R0/2 मान लेंगे, और जो हमारा समय होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे, टी हाफ बोलेंगे, ठीक है, बाकी जो भी वैल्यू थी उसको वहीं पर रख दीजिए, जो भी वैल्यू थी उसको वहीं पर रख दीजिए, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमें सिर्फ कितना करना क्या है, यहाँ पर आपको सॉल्व करवा देते हैं, यहाँ पर देखिए सब तो लास्ट में यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो के को हम लोग के लिखेंगे, 2.303 को हम 303 लिखेंगे, अपॉन में टी आ जाएगा, ठीक है, टी को क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे, क्योंकि हमें अर्धवायु के लिए निकालना है, ठीक है, तो
ध्यान रखिएगा, अर्धायु के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर लोग टेन आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ए नोट आ जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में ए नहीं आएगा, अगर आपको ध्यान है तो अपॉन में क्या आएगा, ए के जगह पर आएगा ए नोट बाई टू, ए नोट बाई टू, क्योंकि हमें चेंज तो इसी को करना है, ए को क्या लिखना है, ए नोट बाई टू लिखना है। ओके चलिए, तो अगर हमें ये निकालना है टी हाफ, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और के को नीचे ले आएंगे। ठीक है चलिए ये कर लेते हैं, तो टी हाफ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे फिर 2.303 लिखेंगे, फोन में के आ जाएगा, एंड फिर क्या आएगा, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10, एंड उसके बाद क्या आएगा, अब देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके इसको थोड़ा क्लियर करके बताते हैं यार आपको, यहाँ पर क्या गिचड़ पिचड़ हो गया पूरा, इसको फिर से आपको बताते हैं क्या किया हमने, खिचड़ी पक गई बिल्कुल पूरी, इसको तो अच्छे से करेंगे व्यवस्थित। एक काम करते हैं, कहाँ पर करें, कहाँ पे करें, चलो यहाँ पर समझ जाओगे आप लोग, यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम लोग टी हाफ को इधर लिख रहे हैं ना, अच्छा टी हाफ को हम लोग इधर लिख रहे हैं, तो इसको इस तरह से कर लीजिए आप लोग, ये टी हाफ जो रहेगा वो इधर आ जाएगा, टी हाफ हो गया हमारा, इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2.303, यहाँ पे के आ जाएगा। ओके यहाँ पर लॉग 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए ये जो रहेगा ये इससे कट जाएगा, अब ये टू रहेगा तो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आ जाएगा। ओके चलिए अब कलर चेंज करते हैं, तो अब देखिए आप लोग आगे क्या सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 2.303 अपॉन में आएगा के, अब यहाँ पर देखिए आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, लोग बेस 10 और 2, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, या फिर आप इतना बोल सकते हो 0.301। ठीक है ये इसकी वैल्यू होती है 0.3010, इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब आप सोचोगे सर इसको याद करना पड़ेगा क्या, तो यस आपको याद करना पड़ेगा। ओके हमने भी याद किया तो आप भी याद करिए, ठीक है ऐसे हम नहीं बोल रहे लेकिन ठीक है याद करना पड़ेगा आपको, और याद कर सकते हो, बस यही याद करना है, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5 इनको याद थोड़ी करना है, बस इसको याद कर लो, लॉग 10 को 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होती है। ओके तो टी आप कितना आ जाएगा हमारा भैया, टी आप हमारा हो जाएगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 2.303 इंटू 0.310 जो क्या आएगा, 693 आएगा, 0.693 है आ जाएगा। ओके अपॉन में क्या आएगा, के आ जाएगा। ओके यही हमारा क्या रहेगा, एक्सप्रेशन रहने वाला है। ओके इसी तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो टी आफ हमेशा क्या आता है, स्थिरांक आता है, कॉन्स्टेंट आता है, ये देखो ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करा, के तो हमारे पास पहले से स्थिरांक था, कॉन्स्टेंट था, ऊपर वाली चीज पहले से ही कॉन्स्टेंट हमारे पास आ चुकी है। ओके तो ये बात होती है, यहाँ पे अब आप लोग पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है ये देखिए हमारे पास इसको हमने लाके बता दिया आपको, तो टी हाफ जो होता है अब आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये थ्योरी आपको पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है रामायण तो हमने बता दिया आपको, रामायण का सारांश यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ा देते हैं आपको, चूंकि हम जानते हैं कि के का मान नियत रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, यहाँ क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछते हैं वो लोग कि बताइए क्या होता है अर्धकोटि अर्ध आयु काल में क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, अर्ध आयु काल में क्या होता है, अर्ध आयु काल अगर आपसे प्रथम कोटि की पूछी जाए तो आप लोग यही बात बताओगे कि क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। ओके इस तरह से आपको बताना रहेगा। ओके तो काफी देर हो चुकी है बोलते बोलते, थोड़ा सा पानी हम लोग पी लेते हैं, ओके ताकि एनर्जी आ जाएगी थोड़ी सी, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है अभिक्रिया की अणुकता। अभिक्रिया की अणुकता क्या होती है, अभिक्रिया की अणुकता इसे समझते हैं हम लोग, किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को परमाणुओं, अणुओं या फिर आयनों की संख्या उस अभिक्रिया की अणुकता या आणविकता कहलाती है, इसे मॉलिकुलरिटी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है समझते हैं इसको, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, अभिकारक है, ठीक है ये आपके अभिकारक है, ये आपके अभिकारक कितने हो सकते हैं अभिकारक, मान लीजिए हमने चार बना लिए, यहाँ पर आपके पास बी हो सकते हैं, ठीक है एक से ज्यादा अभिकारक हमारे पास हो सकते हैं, अगर ये जुड़ जाते हैं तो हमें क्या बना कर देंगे, उत्पाद बना के देंगे, क्या बना के देंगे, उत्पाद बना के देंगे, प्रोडक्ट बना कर देंगे। ठीक है तो होगा क्या, जितनों ने भी यहाँ पर भाग लिया है, जितने भी अभिकारकों ने यहाँ पर भाग लिया है उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की अणुकता हम कहने वाले हैं। ठीक है
तो जितने अभिकारक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने अभिकारक यहाँ पर भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, उनकी संख्या को हम लोग अभिकारक की अणुकता कहने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रारंभिक अभिक्रिया, जितने भी प्रारंभिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे अभिकारक, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की अणुकता कहेंगे। प्रारंभिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी आपको मिलकर दे रहे हैं, डी प्लस ई दे रहे हैं आपको, कुछ भी बोल सकते हैं, एबीसीडी आज पढ़ेंगे हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी प्लस ई, इसने आपको मिलकर दे दिया एफ प्लस जी, और इसको मिलकर आपको दे दिया एच, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मान लो भैया, कुछ भी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गई हमारी प्रारंभिक अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, ये होती है हमारी एलिमेंट्री स्टेप, या फिर आप बोल सकते हो प्रारंभिक अभिक्रिया। तो यहीं पे आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहीं पर आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर आप लोग एक स्टेप का आप क्या निकाल सकते हो, एक ही स्टेप में आप लोग अणुकता निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग सभी में निकालने चले जाओ यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं भैया, आपको सिर्फ एक किसी स्टेप को पकड़ना है, एलिमेंट्री स्टेप को आपको पकड़ना है। ये स्टेप जो है ना हमारी प्रारंभिक अभिक्रिया, इसमें पकड़ लो, इसमें कितने ने पार्टिसिपेट किया, एक दो तीन, तो यहाँ पर तीन आ गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी, या फिर अणुकता। अणुकता को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो अणुकता आएगी वो कितनी आएगी, तीन आएगी। आपको सिर्फ इतने पे ध्यान देना है, ये तो आपका क्या बन गया, उत्पाद बन गया। अगर आपको इसको देखना है तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर कितनी आएगी, दो आएगी। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप लोग समझ मत बैठना कि ऐसा होता होगा, ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो प्रारंभिक अभिक्रिया समझ में आई आपको, ऐसा नहीं है कि सभी में ले लेना है, सभी में नहीं लेना भैया, सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टेप में लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये रहेगा। ओके, आया समझ में। किसी भी अभिक्रिया की अणुकता का मान शून्य नहीं हो सकता, तो ये बात होती है कि किसी भी अभिक्रिया की अणुकता का मान शून्य नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन ये होता है, इसका कारण ये होता है कि जीरो क्यों नहीं हो सकता अणुकता, अणुकता कभी जीरो इसलिए नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, जीरो का मतलब ये है कि किसी भी अभिकारक ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया। ठीक है, अगर भाग ही नहीं लेंगे, अगर एक भी अभिकारक हमारे भाग नहीं लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, तो इसलिए कम से कम एक को तो चाहिए भाग लेना। ओके, तो ये बात होती है यहाँ पर, इसलिए जीरो नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ओटी में आपसे आती है ये। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभिकारक की अणुकता की संख्या व्याख्या क्रियाविधि द्वारा करते हैं। ठीक है, क्रियाविधि द्वारा इसको किया जाता है, मतलब इसको आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसको आप लोग प्रैक्टिकली कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने जब देखा था, क्या देखा था हमने, अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि जब हमने देखी थी, अभिक्रिया की क्या देखी थी हमने, कोटि देखी थी। वो कैसे निकल रही थी, वो प्रयोगों द्वारा निकल रही थी, प्रयोग से निकल रही थी, एक्सपेरिमेंट से निकल रही थी। ठीक है, ये कैसे निकल रही है, क्रियाविधि से निकल रही है। तो ये भी एक डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है, इसको प्रयोग से ही निकाला जा सकता है, इसको आप लोग क्रियाविधि से निकाल सकते हो। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में, क्योंकि ये तो देख देख के बताना है हमको, कितने कितने भी अभी कितने अभिकारकों ने यहाँ पर भाग लिया, वो हमें देख देख के तो बताना है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो अब अंतर समझ लेते हैं कि क्या अंतर होता है इसमें, किस किस में अंतर समझेंगे हम लोग, हम लोग अंतर किस किस में समझेंगे भैया, हम लोग अंतर समझने वाले हैं। ये काम नहीं कर रहा है क्या, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। चलो ठीक है, यहाँ इसे समझ लीजिए आप लोग, अभिक्रिया की कोटि और अनुसंकिता, इन दोनों में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अंतर देखने वाले हैं। समझ लो अनुसंकिता क्या होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुसंकिता, या फिर आप बोल सकते हो अणुकता, एक ही बात होती है। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया, चेक कर रहा है काम, है ना। ओके ओके, कर्सर हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, तो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो कर रहा है काम। ठीक है, चलिए, तो कहाँ पर थे हम लोग, अनुसंकिता और अनुसंकिता, इसको ही बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना इसमें, अनुसंकिता भी इसको बोल सकते हैं, अणु की संकिता, इस तरह से आप लोग समझते हो। चलिए, तो अभिक्रिया की कोटि अनुसंकिता के बीच में अंतर क्या होता है, तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन बता देंगे कि इनमें क्या करना होता है, हमें इनमें क्या करना होता है, अभिकारकों के अणु की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर का निर्धारित करता है, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आपको बता रखा है, अगर हमारे पास वेग दे रखा है हमें, ठीक है, वेग का नियम है, उसके अनुसार जो हमारा वेग है, ठीक है, जो हमारे पास जो वेग है, वेग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे पास वेग बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा के, फिर यहाँ पर आएगी हमारे पास सांद्रता, तो सांद्रता की जो भी पावर होगी, जो, ठीक है, जो पावर होगी हमारे पास, मान लो दो है यहाँ पर, इसको ही तो आप क्या बोलोगे, इसी को आप लोग क्या बोलोगे, अभिक्रिया की कोटि बोलोगे। ठीक है, अगर हमारे पास मान लो एक और हमारे पास सांद्रता दे रखी है किसी अभिकारक की, उसकी पावर अगर हमारे पास 1 है, आप क्या बोलोगे, 2 + 1 = 3, और ये क्या है हमारे पास,
ये हमारे पास अभिक्रिया की कोटि होती है। ठीक है, तो पहला अंतर तो यही हो गया हमारा। आप लोग दोनों की डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, परिभाषा लिख देना, ये दोनों का अंतर हो जाएगा। दोनों समझा रखा है आपको अच्छे से, दोनों के दोनों आपको समझा रखना। इसका मान पूर्णांक शून्य अथवा भिन्नांत हो सकता है। तो जो हमारी अभिक्रिया की कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है, आपने पढ़ा था शून्य अभिक्रिया के बारे में, शून्य हो सकता है। उसके अलावा प्रथम हो सकता है, प्रथम कोटि की हो सकती है, ठीक है, द्वितीय हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन अणुसंख्यता कभी भी जीरो नहीं हो सकती, अणुसंख्यता कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये बात आपको बता दी, शून्य कभी नहीं हो सकती। ओके, उसके अलावा और देखिए आप लोग, अगला है हमारे पास तीसरा वाला, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसे प्रयोगों द्वारा निकाला जा सकता है। इसे आप किस तरह से निकाल सकते हो, क्रियाविधि द्वारा इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो सिद्धांतिक होती है। यहाँ संपूर्ण अभिक्रिया की संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है, बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने, यहाँ संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो आपको संपूर्ण अभिक्रिया के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी दे देती है, इंफॉर्मेशन दे देती है। लेकिन अनुसंखिता की जो अनुसंखिता जो होता है हमारे पास, वो आपको इतनी जानकारी नहीं दे पाता है। यहाँ अभिक्रिया के किसी विशेष पद से संबंधित होता है। ओके, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर हमने ये बात आपसे बताई थी कि यहाँ पर प्रारंभिक अभिक्रिया के लिए होती है ये। ठीक है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बात करते हो इसके बारे में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप बात करते हो प्रारंभिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर, वो आपको पूरी जानकारी दे देगा, ये सिर्फ आपको प्रारंभिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी देने वाला है। ठीक है, ये डिफरेंस हमारा बन गया। और देखिए आप लोग, और देखिए अभी तो ये आप लोग कर लिया, ये हो गया हमारा। उसके बाद आखिरी वाला क्या बोला है, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या बताती है हमें, अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध बताती है। लेकिन अभिक्रिया की अणुसंखिता हमें क्या बताती है, अभिकारों की सांद्रता और दर में, दर से किसी प्रकार संबंध नहीं बताती है। तो ये हमें कोई संबंध नहीं, अरे इसमें क्या बता रही है आपको, ये संबंध बताती है, क्योंकि ये कहाँ से निकाली थी हमने, ये वेग के नियम से निकाली थी। वेग का जो नियम था, वेग नियम, उससे हमने यहाँ पे देखा। तो वेग नियम तो यही बात बताता है, लेकिन ये क्या है, ये तो अपने अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो ये किसी प्रकार से संबंध नहीं बताता है। ओके, इस तरह के हमारे सारे डिफरेंस इसमें हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सक्रियण ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या होती है सक्रियण ऊर्जा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको कुछ बातें बतानी है, यहाँ पर सुनिएगा, इस ग्राफ के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर करवा देंगे। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है अभिकारक, 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 तो ये जो आपका अभिकारक है। ओके, अब इसके पास, खुद के पास अपनी एक ऊर्जा होती है, हर एक अभिकारक के पास अपनी एक ऊर्जा होती है। ठीक है, ठीक है, ये सामान्य ऊर्जा है हमारे पास, ये जो ऊर्जा है वो क्या है, सामान्य ऊर्जा है। ठीक है, सामान्य ऊर्जा है हमारे पास, समझते हैं। अगर इस अभिकारक को क्या बनना है, अगर इस अभिकारक को उत्पाद बनना है, क्या बनना है, उत्पाद, अगर आपको इसमें उत्पाद, इसको उत्पाद बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रुकावट है, रुकावट को आप इस तरह से समझेंगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके पास, खुद के पास थोड़ी बहुत एनर्जी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको इसको उत्पाद बनाना है तो इसको क्या देनी पड़ेगी, सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। जैसे इसको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारी सक्रियण ऊर्जा इतनी रहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर इतनी इसको मिल जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट बनने के काबिल हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये बात होती है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो हम लोग दे रहे हैं ना सक्रियण ऊर्जा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा ऊर्जा है हमारे पास। ठीक है, एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसके पास, खुद के पास क्या था, इसके पास खुद के पास एक ऊर्जा थी। ठीक है, लेकिन हमने इसको और ज्यादा ऊर्जा दे दी ताकि ये क्या बन जाए, ये उत्पाद बन जाए, तो इसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे तो इसे ईए के साथ प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से बोलते हैं, तो इसको एक्टिवेशन से ए बनता है यहाँ पर, तो एनर्जी का ई और यहाँ पर एक्टिवेशन आ जाएगा, तो इस तरह से बनता ही है, आया समझ में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दहली ऊर्जा, ठीक है, आगे हमारे पास है दहली ऊर्जा। दहली नहीं है ये वाला, दहली नहीं है, दहली दहली ऊर्जा, ठीक है। नाम ऐसे लग रहा है लेकिन आप सुनाई दे रहा होगा दहली बोल रहे, दहली हो दहली, ठीक है, कुछ भी हो अपने को तो समझने से मतलब। तो दहली ऊर्जा कितनी होती है, हमने बात करी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अभिकारक होता है, या हमारे पास उत्पाद होता है, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, ठीक है। उत्पाद बनने के लिए इसे एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उस कहाँ गया हमारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसको बोलेंगे ई है, मतलब कि हमारी क्या रहेगी, सक्रियण ऊर्जा रहेगी, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास वो जो सामान्य ऊर्जा थी, ठीक है, सामान्य ऊर्जा थी हमारे पास, सामान्य ऊर्जा प्लस आप लोग किसको जोड़ दो, ये जो हमारे पास सक्रियण ऊर्जा आई है, ठीक है, अगर आप इसको सबको जोड़ दो, सक्रियण ऊर्जा को जोड़ दो, मतलब सामान्य इसके पास पहले से थी, इतनी एनर्जी इसके पास पहले से थी, अब आपने क्या किया, इसमें इसको भी जोड़ दिया, इसमें इसको भी जोड़ दिया, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगी, दहली ऊर्जा बन जाएगी। मतलब संपूर्ण ऊर्जा, क्या बोलोगे इसको आप लोग, संपूर्ण ऊर्जा बोलोगे, आया समझ में। तो ये रहेगा, तो इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, दहली ऊर्जा जो रहेगी वो सक्रियण ऊर्जा और साथ में जो हमारी सामान्य ऊर्जा जो थी अभिकारक की उसको आप लोग जोड़ दोगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगी हमारे पास, दहली ऊर्जा बन जाएगी। तो देखो इस तरह से हम लिख देंगे, यहां से लेकर यहां तक पूरी, ठीक है, संपूर्ण, इस तरह से आप लोग बता दोगे। तो ये हो गया हमारे पास दहली ऊर्जा कंप्लीट। ओके, अगला हमारे पास टॉपिक है अरहानियस समीकरण, अरहानियस समीकरण या फिर अरहानियस इक्वेशन आप लोग बोल सकते हो। अरहानियस नामक वैज्ञानिक ने सक्रियण ऊर्जा व परम ताप टी को वेग स्थिरांक के से संबंधित करते हुए एक समीकरण दिया जो कि निम्न प्रकार से है, के इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। समीकरण एक, यहाँ के वेग स्थिरांक है, ए अरहानियस गुणांक है, ई ए क्या है हमारे पास, सक्रियण ऊर्जा है, टी क्या है हमारे पास, परम ताप है, आर हमारे पास क्या है, गैस स्थिरांक समीकरण है। ओके, इस तरह से हमारा रहेगा। तो इसमें हमें क्या समझ में आया, इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो अरहानियस क्या है, एक समीकरण है, अरहानियस ने क्या दी, एक समीकरण दी, तो समीकरण पे चलते हैं, इसको तो हम लोग बाद में समझ लेंगे क्योंकि समीकरण समझ में आ गई तो ये तो सब सिंपल है। तो ये होती है समीकरण भैया, देख लो इसको समीकरण को, समीकरण तो वैसे हमें याद ही करनी होती है, और आपको बता दें ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ये होती है इक्वेशन, यहाँ पर आपको चीजें समझा देते हैं। यहाँ पर जो के है इसको क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे, ए यहाँ पर क्या है, अरहानियस का गुणांक है, यहाँ पर ई हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल का साइन है, और यहाँ पर ई जो रहेगा ये माइनस में आएगा, ई ए जो रहेगा वो सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा क्या बोलेंगे इसको, सक्रियण ऊर्जा, अभी समझाया आपको। टी क्या है यहाँ पर, परम ताप है, उसके अलावा जी क्या, आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास गैस स्थिरांक है, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर आप सोच रहे हो कि इसको हमें समझना पड़ेगा तो आपको बता दें ये आपको डायरेक्ट याद करना होता है, ठीक है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इक्वेशन उन्होंने दे दी है, समीकरण उन्होंने दे दिया, अब आपका काम है याद करने का, ठीक है, इसको याद कर लेना। चलिए अगर आपको इसको आगे डिराइव करना है, अगर आगे इसको समझना है तो आगे आप समझ सकते हो, पहले तो आप लोग उतना समझ लेना उसके बाद यहाँ पे समझना। चलिए तो अभी आप लोग समझिए इतना कि हमें मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये याद हो गई, अब हम क्या करेंगे आगे, आगे हम इसे सोल्व करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। देखिएगा हम क्या करें, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार की दे रखी है, ए टू दी पावर, ये ए हमारे पास, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, ए हमारे पास एक कॉन्स्टेंट स्थिरांक है, अरहानियस का स्थिरांक है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ई ए बाई आर टी, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट स्थिरांक है, ध्यान रखिएगा किसका स्थिरांक है, ये अरहानियस का, तो क्या रहेगा, के इक्वल्स टू क्या बनेगा भैया, अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग के इक्वल्स टू क्या बनेगा, लॉग ए। आप सोच रहे होंगे ये क्या करे जा रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, हम एक डेरिवेशन निकालना चाह रहे हैं, हम लोग कुछ रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा अब क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास लॉग के, अब देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा, अगर आपको याद हो लॉग एम लॉग एन, इसको इस तरह से देखिए आप लोग, लॉग एम और एन, अगर हमारे पास लॉग एम और लॉग एन दे रखा होता तो हमें क्या लिखना होता है, इसका एक आइडेंटिटी होती है कि अगर लॉग एम लॉग एन दे रखा है तो लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हमारे पास क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, समीकरण बनती है। तो अगर आप इसको याद कर सकते हो तो इस समय ये जो ए है, ए किसकी तरह कार्य करेगा, यहाँ पर एम जो रहेगा वो ए बनेगा, और
और यहाँ पर एन जो रहेगा वो क्या है, वो क्या है हमारे पास, ई माइनस ई ए बाई आर टी रह जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर सेम टू सेम। ठीक है, दोनों को प्लस लिख दीजिए। तो यहाँ पर लोग एम क्या है हमारे पास, ए है, यहाँ पर ए लिख दिया, धन का साइन लगाएंगे, लोग एम यहाँ पर इनकी जगह पर क्या जाएगा, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी बन जाएगा। अब सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, सारी चीजें क्लियर कर देते हैं, ये भी क्लियर कर देते हैं, चीजें आपको समझा दी हमने। ठीक है, एक काम करना आप लोग, एक आइडिया देते हैं आपको, एक सलाह देते हैं आपको, आप क्या करना, लोग की जो आइडेंटिटीज होती है वो आप लोग याद कर लेना। ठीक है, वो आप लोग याद कर लेना, लोग की आइडेंटिटी, तीन चार आइडेंटिटी होती है, सारी याद कर लेना। ठीक है, कर सकते हो आप लोग याद, क्योंकि बहुत काम आती है। चलो, तो क्या होगा, इतना आपको समझ में आ गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, लोग के इक्वल्स टू लोग ए, अरे लोग ए, फिर आगे क्या होगा, अब देखिए इस प्रकार की फिर से आइडेंटिटी लोग की यूज होने वाली है, लोग ई टू द पावर, अगर हमारे पास ये दे रखा हो ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो बेस होती है बाई डिफॉल्ट क्या होती है, वो ई होती है। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाता है, जो भी पावर होती है ना लोग की वो हमेशा आगे आ जाती है। यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी आ जाएगा आगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, लोग ई, और यहाँ पर बचेगा ई, और लोग ई क्या होता है, वन होता है हमेशा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, वन होता है। तो अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, आप सोच रहे होंगे कि यार ये लोग कितना आ रहा है यहाँ पर, लोग 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 लोग, क्या करें यार, लोग दुनिया ने यही काम कर रखा है हमारे लिए। ठीक है, लोग याद कर लेना भैया, लोग बहुत काम का है। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये समीकरण बच गई। अब हम जानते हैं अगर ये सभी बेस हमारे पास अगर ई है, ई तो बाई डिफॉल्ट होता है, तो आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, आप इसको लॉग बेस 10 में परिवर्तित कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लॉग बेस 10 में आप लोग इसको परिवर्तित कर सकते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, तो ये परिवर्तित ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं चीजें, ताकि आपको आसान लगेगी, नहीं तो फिर डर जाओगे आप लोग। ये देखिए इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, यहाँ पर आपको समझा देते हैं, अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप लोग लिख देते हैं। देखिए अगर आप इसको चेंज करना चाहोगे के को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 पावर बेस हम लोग 10 लगा देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजिकल्स टू लगाएंगे, यहाँ पर फिर से 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लोग ए लगा देंगे, माइनस करेंगे, अब यहाँ तो कुछ है नहीं लोग, तो यहाँ पर क्यों लिखेंगे हम लोग, पागल थोड़ी ना है कि हम लोग यहाँ पर भी 2.303 लिखेंगे, तो हमने चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में 2.303 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं मैथ्स वाले अपन लोग, मतलब बायो वाले भी हो तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थ्री यहाँ पे जाएगा 2.303, यहाँ पर जाएगा 2.303, यहाँ पे जाएगा 2.303। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो कुछ इस प्रकार की आएगी। ठीक है, आपको यहीं पर दिखा देते हैं, ये इस प्रकार की आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आपको दिमाग लगाते लगाते करना पड़ेगा। एक काम करेंगे, इसी ये जो नोट्स होंगे, इन नोट्स में ये जो हमने कहानी लिखी है पूरी, इसको लिखकर आपको दे देंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमें पेज करना रहेगा, हम लोग कर देंगे और नोट्स कंप्लीट करके आपको दे देंगे। ओके, तो ये हम यहाँ तक पहुंच गए, अब क्या करें भैया, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, हो गया सब काम, और क्या अपना हो गया कंप्लीट। इस तरह से इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर है इस टी को यहाँ से हटा के इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो क्या होगा, आपको एक इक्वेशन दिखेगी यहाँ पर, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो लोग के तथा 1/t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा, सीधी रेखा की ये क्या होती है, एक समीकरण होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे पास एक ग्राफ मिलेगा, सीधी रेखा का हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, इस तरह से हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, ये ग्राफ रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ रहेगा, जो इसकी स्लोप रहेगी, इसकी जो ढाल रहेगी, ठीक है, इसकी जो ढाल रहेगी वो क्या बनेगी, वो ढाल बनेगी माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ये देखो ना आप लोग, ये इसकी ढाल बन जाएगी, ये इसकी ढाल बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी ढाल बन जाएगी। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, आप लग सकते हो। ठीक है, ये इसकी स्लोप बन जाएगी। ओके, अगर आपको ये याद है सीधी रेखा की समीकरण, तो आपको ये आसान लग रहा होगा, अगर नहीं याद है तो एक बार पढ़ लेना, सीधी रेखा की समीकरण, समीकरण जो होता है वो आप लोग पढ़ लेना।
चलिए, तो अरहनियस की क्वेश्चन यहाँ पर होती है समाप्त। अरहनियस समीकरण की सहायता से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, निकाली जा सकती है भैया फॉर्मूले की मदद से। ये देखो यहाँ पर दे रखा है, तो ये निकाली जा सकती है। ताप के परिवर्तन से दर तरंग का मान निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग ये भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या निकाला जा सकता है, दस तरंग एवं सक्रियण ऊर्जा में संबंध ज्ञात किया जा सकता है, तो वो भी किया जा सकता है। ये देखो यहाँ पर संबंध ज्ञात, तो ये इसके कुछ उपयोग है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ओके, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो होता है हमारा कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। ओके, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लोग इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, कर दीजिएगा शेयर यार आप लोग। ओके, और क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें, ऑल दी वेरी बेस्ट।